नमस्कार। एनएस के वागदा चैनल के विशेष लाइव कार्यक्रम में आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार 3 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आप हर रोज देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं और अपने सवालों का जवाब पाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो DLED के एग्ज़ाम्स हैं जो आप लोगों के लिए हमने निर्धारित कर दिए हैं, और आपको जैसा कि हम पहले भी बताते आ रहे हैं 31 मई 1 जून 2 जून को सायंकाल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये परीक्षाएं निर्धारित कर दी जा चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस बीच आपने अपने SLM द्वारा अपने पाठ्यक्रम को भी पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे होंगे। हमारे इस सीरीज़ में जो कि हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं, हमारे बीच आज फिर से 2 एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर सरोज शर्मा मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टूडियो में, और प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। सर, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने साथ जो एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछें, और जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी आपको व्यवधान लग रहे हैं आप हमसे सीधे जोड़ सकते हैं। और इसके लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800180052543 और wagda@nios.ac.in पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सवाल मेल के द्वारा या इस टोल फ्री नंबर पर भी भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोर्स 502 कोर्स 502 जो कि अधिगम अवधारणा और प्रक्रिया है, लर्निंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस चर्चा के बाद जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो हम समझते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, मैं समझता हूँ बच्चे उसे समझ पाएंगे, और जब वो कक्षा में अपने बच्चों के साथ जब बातचीत करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो आज के इस पाठ्यक्रम, जो आज की जो चर्चा है, वो अपने निहित जीवन में लाने की कोशिश करेंगे और बच्चों को और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा विश्वास है और NIOS इसके लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है अनट्रेन टीचर्स के लिए, ये इसी एक मुख्य कारण यही है कि जितने भी अनट्रेन टीचर्स हैं वो एक बढ़िया ट्रेनिंग पा सकें और अपने बच्चों के साथ अच्छे से जुड़ सकें। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। मैडम, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मनोज जी, और सभी प्रशिक्षणार्थियों को नमस्कार, स्वागत है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। ये भी एक अंश है जो हम सीखने और सिखाने का क्रम कक्षा में रखते हैं, वही प्रक्रिया जब आप शिक्षक बन के कक्षा में जाते हैं। हालांकि आप सभी कक्षा की परिस्थितियों से वाकिफ हैं, कक्षा में किस तरीके से सीखने और इसकी प्रक्रिया होती है, मगर जिसे हम स्किल कहते हैं, कौशल, इसका जो विशेष प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है NIOS के इस इनिशिएटिव के द्वारा, तो सीखने की प्रक्रिया की वास्तव में ये है क्या, एक शिक्षक के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जो कहते हैं कि अधिगम की अवधारणा क्या है। हम सभी सीख कर बड़े हुए हैं, हमने बहुत प्राथमिक कक्षा से लेके इस विशिष्ट उम्र तक जहाँ तक आप आए हैं और जहाँ पर आपने जो एक क्वालिफिकेशन ली है एक शिक्षक बनने के, वहाँ तक आप हम सीखते ही रहे हैं। लेकिन हमारी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, हमने जो अब तक सीखा है, या आप इस ड्यूरेशन में जो 18 महीने का ये कोर्स है, इसमें जो आपने जो सीखा है उसको आप कक्षा में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो स्किल्स की बात करता है। स्किल्स यानी कौशल। अब जब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जिसमें है कि इसको किस तरीके से हम देखेंगे। इसमें पहला है द रिलेटिव बाय परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। देखिए मनोज जी, सत्येन जी, ये कहा भी जाता है कि सीखना जो है एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो वास्तव में एजुकेटेड भी हो। एक बहुत बड़ा अंतर होता है लिटरेट होने में और शिक्षित होने में। लिटरेट व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसे ज्ञान भी हो, तो एजुकेशन और लिटरेसी में ये विशेष अंतर है। अब बहुत ही ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति है, वो एंटी सोशल कामों में लिप्त है, बहुत अच्छे से उसका व्यवहार नहीं अच्छा है, वो आसपास के लोगों से उसका सहयोगपूर्ण रवैया नहीं रहता है, तो हम उसको शिक्षित नहीं कहते हैं।
तो सबसे पहली बात है जो शिक्षा शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या है, हम जितने शिक्षित होंगे, कहा भी जाता है कि विद्या ददाति विनयम, अगर आप में विनय नहीं है, और विनयम ददाति पात्रताम, आप में जब विनय होता है तभी आप पात्र होते हैं। तो रिलेटिव परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी जो व्यवहार है वो शिक्षा के द्वारा आमतौर पे परमानेंटली भी बदला जा सकता है। हमारे पास महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण है कि वो बहुत पहले वो विभिन्न कार्यों में लिप्त थे, मगर जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनके व्यवहार में सुधार हुआ, तो उन्होंने रामायण जैसी रचना कर दी। की रचना जी हाँ जी। एक महालेख की रचना, महाकाव्य की रचना हो गई। तो यही कहा जाता है कि जब हम शिक्षा से हमें एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में वो काम आता है। दूसरा है एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। जीवन की जो आवश्यकताएँ हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, इसके अलावा भी जो हमारे मानसिक रूप से संतुष्टि, जैसे मैस्लोव्स की नीड हायरार्की थ्योरी है कि हम आप जो काम करते हैं उसको हमें कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, मोटिवेशनल एस्पेक्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं, आदतों में सुधार शिक्षा के द्वारा। और ज़रूरी नहीं है कि हम डांट डपट के विद्यार्थियों की शिक्षा का की आदतों में सुधार करें, अगर हम अनुशासन रखेंगे कक्षा में तो हमारी आदतों में सुधार होगा। एटीट्यूड, हमारा जो तरीका है, नज़रिया है, उसमें हमारा ज्ञान किस प्रकार का है, और जीवन की जो आवश्यकताएं हैं शिक्षा उसको पूरित करती है। तो जो सीखना है, सीखना एक तो आपकी आदतों से संबंधित है, आपके ज्ञान से संबंधित है, आपके एटीट्यूड से संबंधित है, और जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, न सिर्फ भौतिक बल्कि आध्यात्मिक, आपके आत्मिक, इन सारी चीज़ों को शिक्षा के द्वारा हम पूरित करते हैं। और सीखना जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है वो इसी सीखने को दिखाता है। और जो तीसरी बात इसमें है, द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सनैलिटी टिल पॉसिबल डायमेंशंस, सारे संभावित क्षेत्रों में हम किस प्रकार आपकी पर्सनैलिटी में चेंज करें। सीखने के द्वारा हम जब सीखते हैं अच्छी बात, हम देखते हैं कि किस तरीके से समाज में चीज़ें हो रही हैं, उसको चाहे हम डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, हम जब सीखने की प्रक्रिया रहती है और पॉजिटिव सीखते हैं, तो समस्त दिशाओं में हमारे आचार विचार, सोचने के तरीके, व्यवहार करने का तरीका, हम माता पिता से कैसे व्यवहार करते हैं, पीयर ग्रुप से हमारा कैसा संबंध है, हमारे शिक्षकों से के साथ कैसा व्यवहार हम रखें, समाज के लोगों के साथ कैसा रखें, तो ये सारी चीज़ें जब आप लर्नर को सिखाते हैं कक्षा में, तो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, वैसे भी कहा गया है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास करता है, तो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो इस सीखने की प्रक्रिया से परमानेंटली ठीक हो सकता है। जो स्थायी रूप से जो चेंजेस आते हैं वो सीखने की ही प्रक्रिया से आते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि इसके लर्निंग प्रोसेस के, सीखने की प्रक्रिया के क्या हैं, तो मनोज जी, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो ये है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और गोल डायरेक्टेड है। सीखने के लिए विद्यार्थी को एक जो शिक्षक है एक गोल रखता है कि आज हम अपने विद्यार्थियों को ये हम सिखाएंगे, पर्टिकुलर लेसन है, उस लेसन से संबंधित मान लीजिए कोई एक्टिविटी है, कोई प्रैक्टिकल है, तो वो सिखाएंगे। दूसरा ये होता है इंटेंशनल, उसका एक, बेशक वो फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में करे, मगर उसका एक इंटेंशन होता है कि आज हमें ये पढ़ाना है। उसके बाद है एक्टिव प्रोसेस, ये एक्टिवली शिक्षक इन्वॉल्व रहता है, इट इज अ टू वे प्रोसेस, कक्षा में हाँ जैसे आदान प्रदान हो रहा है बिल्कुल विचारों का, हाँ जिसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, कलेक्टिव लर्निंग, तो वो सारी चीजें जो है, शिक्षण एक एक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद है ट्रांसफरेबल, सीखना हमेशा ट्रांसफरेबल होता है, शिक्षक ने जो विद्यार्थी को सिखाया वो, और विद्यार्थी, ये जो आप यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, ये शायद हमारे अनट्रेन टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि क्लास में केवल एक अध्यापक ही नहीं है जो केवल बात करे, बिल्कुल, और केवल अध्यापक ही एक ऐसा क्लास में एक ऐसी चीज अपनी पोजीशन ना बना के रखे जहाँ उसे लगे कि केवल मुझे ही सब कुछ आता है, बिल्कुल,
और ऐसा हमने देखा है कि प्रायः तो बच्चे भी बहुत कुछ जानते हैं और हाँ। जितना ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। और इसको जॉन एडम्स ने जॉन एडम्स ने कहा भी है कि इट इज अ टू वे प्रोसेस, शिक्षक और छात्र। हालांकि डीवी ने बाद में उसमें कहा कि इसमें समाज भी है, इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि उसमें जो विभिन्न चरण है सीखने के, उसमें सबसे तो पहला हुआ कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, दूसरी बात हुई गोल डायरेक्टेड है, तीसरा इंटेंशनल है, एक्टिव प्रोसेस है, और उसमें एक जो बात है ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है। और आपने भी एक बहुत अच्छी बात की कि शिक्षक छात्रों से भी बहुत सीखता है, कोई बहुत संयत है, कोई बहुत शांत है, कभी कभी बहुत एक्टिव होते हैं, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, प्रश्नों के जवाब, और वो बहुत इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं। तो ये दोनों का सीखने की प्रक्रिया है और आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा कि डीवी कहते हैं कि इट इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, समाज भी आप जी हाँ, तो वातावरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है यहाँ पे मैं ये जो आप बता रहे हैं, जो डीवी ने इसमें बाद में एक समाज का भी एक अंग इसमें डाला, ये एक बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम कक्षा में केवल अध्यापक और बच्चे हैं उसके अलावा भी एक काम है हाँ, जो वातावरण का सीखने की प्रक्रिया में बहुत, और स्कूल को कहा भी गया कि इट इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। हमारा एक अभी अभी हमारे एक कोई जो अनट्रेन टीचर है वो हमसे जुड़ गया और वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। अपना सवाल पूछे, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ, अपना सवाल बताएं, आप कौन है, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कोलकाता से कह रही हूँ। हाँ जी बताएं, अपना सवाल पूछें। अगर मैं अभी जिस स्कूल में काम कर रही हूँ, अगर मैं उस स्कूल छोड़ के कोई दूसरा स्कूल में जाती हूँ तो क्या इसमें कोई डीएलएड का प्रॉब्लम है? देखिए, जो इन्होंने सवाल पूछा, ये सवाल हमारे अभी विषय से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ से इन्होंने इनरोल किया है अपने आप को, इनको वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन उनका जो किया गया है वो एक पर्टिकुलर स्कूल से किया गया है। अगर वो बीच में छोड़ के जाते हैं तो वो इनका ये निरस्त हो जाएगा। मैं अपने सभी अनट्रेन टीचर्स से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, ये हम उनके, यह हमारा उद्देश्य है कि हम उनके लिए यहाँ बैठे हैं और अपने एक कोर्स को लेकर आगे चल रहे हैं, तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि अगर वो कोर्स संबंधित सवाल करेंगे तो शायद और जितने दर्शक जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो हमसे कुछ सवाल नहीं पूछ पा रहे, तो उनके लिए भी अच्छा होगा, वो भी समझ पाएंगे। क्योंकि जो ये सवाल है ये आप हमसे सीधे ईमेल पर भी पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विभिन्न ईमेल एड्रेसेस दिए गए हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के, आप उनसे भी ये सवाल टेलीफोनिकली और ईमेल द्वारा भी पूछ सकते हैं। जी मैम, आप चर्चा कर रहे थे, मनोज जी हम चर्चा कर रहे थे कि सीखना क्या है, सीखने की अवधारणा क्या है और उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कक्षा की स्थितियों में। अब है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला है लर्निंग एंड मैच्योरेशन, दूसरा है रेडीनेस ऑफ लर्न, तीसरा है लर्निंग एनवायरनमेंट और चौथा है लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो सबसे बड़ी बात जो है लर्निंग एंड मैच्योरेशन का संबंध है कि जब हम सीखते हैं तो हमें परिपक्वता आती है। ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट है कि हम बार बार गलतियां करते हैं, बार बार सीखते। जी हाँ, ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखना, गलतियों को करने के बाद ही हम पहली बार, हमें कोई चीज़ बहुत कठिन लगती है, गणित का ही सवाल हुआ, किसी भी विज्ञान का सवाल हुआ, तो हम उसको करते हैं, कई बार गलत उत्तर आते हैं, मगर हम गलतियां कर करके हमें मैच्योरिटी आती है, हम अनुभवी बनते हैं। तो कक्षा में भी यही स्थिति होती है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जब शिक्षक और छात्रों के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जब शिक्षक पढ़ाता है कक्षा में, तो बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, उस समय हमें टेम्पर नहीं लूज़ करना है, उस समय अपना पेशेंस हमें नहीं बिगाड़ना है। और जो हम मैच्योरिटी जो आई सीखने की प्रक्रिया में, पहले हमने सिखाया, बच्चे उसको थोड़ा सा सीखते हैं, फिर दूसरी बार सीखते हैं, तीसरी बार में वो मैच्योर होते हैं, तो जो मैच्योरिटी है उसका प्रभाव सीखने की प्रक्रिया में पड़ता है। दूसरा है रेडीनेस टू लर्न, जो सीखने वाले अधिगम करता है वो कितने तैयार हैं, उसके लिए आपको कक्षा में माहौल तैयार करना पड़ेगा। बच्चों के प्राथमिक ज्ञान को आप देखिए, कुछ सरल प्रश्न पूछिए कि जो आज संबंधित विषय है, मान लीजिए उनको फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है हमें, या भारत का संविधान पढ़ाना है, तो हम सबसे पहले छात्रों से बहुत ही सरल प्रश्न पूछें,
एक वैसे भी एक नियम है किसी भी करिकुलम डेवलपमेंट का कि आप सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म बढ़िए, सरल प्रश्न पूछिए, जो उन्हें आता है उसको जोड़ के आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आप कक्षा के ज्ञान को डेवलप करिए, इसे कहेंगे रेडीनेस टू लर्न। उसके बाद जब वो सही तरीके से सीख जाएंगे तो उनमें सीखने के प्रति क्यूरियसिटी डेवलप होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो रेडी होंगे। तो जो अगर वो तैयार नहीं है तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सीखने की प्रक्रिया में। तो जो एक दूसरा फैक्टर है वो रेडीनेस टू लर्न है, और तीसरा है लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का वातावरण। कक्षा में क्लास प्रबंधन अगर ठीक है, वातावरण अच्छा है, लाइट है, उसमें हवा है और एक कॉर्डियल रिलेशन है, जैसे मैंने कहा था कि शिक्षक फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड होता है, तो जो सीखने का वातावरण बन गया, हमने छात्रों में कोलैबोरेटिव अप्रोच है, रुचि है, तो एक वातावरण अच्छा बनेगा। लेकिन अगर बहुत तनावपूर्ण माहौल है, शिक्षक से छात्र डरते हैं, एक गुरु शिष्य का स्नेहपूर्ण संबंध नहीं है, या एक बहुत ज़्यादा अनुशासनहीन और या ज़रूरत से ज़्यादा ऑटोक्रेटिक या ज़रूरत से ज़्यादा तानाशाहीपूर्ण माहौल है, तो जो सीखने की प्रक्रिया का थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो एक फैक्टर प्रमुख है, लर्निंग एनवायरनमेंट, वातावरण सीखने का सही होना चाहिए। उसके बाद है लर्निंग एंड मोटिवेशन। एक शिक्षक को कहा जाता है कि उससे बढ़ के कोई मोटिवेटर नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड है, तो वो मोटिवेट करे कि आप इसको सीखिए, इस सीखने के तरीके को सरल से जटिल उदाहरणों के द्वारा और उनसे ज्ञान, जैसे आपने भी कहा कि ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए और किसी को भी कमतर ना समझे। छात्र को नहीं आता है तभी वो आपकी कक्षा में है और आप उसे सिखाने के लिए आए हैं, तो उसे सही मोटिवेशन देना ये शिक्षक का कर्तव्य है। और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न चीज़ें हैं, सीखना, ज्ञान के बारे में पूछना, तो ये सारी जो पूछने की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक और सवाल हमारे बीच में है अभी। हेलो हेलो, मैं समझता हूँ ये हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताएं और सवाल बताएं। हरीशचंद तिवारी है, कोटावास से जी, उत्तराखंड नैनीताल जिला। हाँ जी, अपना सवाल पूछें जी। कुछ बच्चे कक्षा में जो है सीख नहीं पाते हैं, कमजोर बच्चे, उनके अधिगम को हम कैसे बढ़ाएं जिससे वो भी सीख पाए? अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो नहीं सीख पाते हैं, सामूहिक पढ़ाते हो तो वो सभी लोग सीख पाए, इनके लिए क्या करें? जी, हम आपका सवाल समझ गए मैम। ये आपने सवाल सुना, ये पूछे कि जो अधिगम प्रक्रिया में जो सहपाठी नहीं हो पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, जो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए जिससे उनकी अधिगम प्रक्रिया में रोक ना आए, वो ज़्यादा सीख पाए, ज़्यादा समझ पाए? जी देखिए, एक कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं जो धीरे सीखते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, आईक्यू लेवल जिनका ज़्यादा है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे मीडियोकर होते हैं। अब एक शिक्षक का कौशल है कि वो किस प्रकार समान रूप से, उसने कक्षा में मान लीजिए 40 बच्चे हैं और शिक्षक ने तो एक ही क्लास पढ़ाई, एक ही विषय पढ़ाया, लेकिन कुछ उसको जल्दी ग्रास्प करते हैं और कुछ धीरे करते हैं। अब उसमें शिक्षक का कर्तव्य है कि जो स्लो लर्नर हैं उनको सरल उदाहरणों के द्वारा, कुछ एक्टिविटी के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, उसको एक ट्यूटोरियल के रूप में उसको सरल काम दे, और जो कठिन, जिन्होंने जल्दी सीख लिया उनको थोड़ा सा कठिन प्रश्न दे और आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करें, और जो स्लो लर्नर हैं उनको इस तरीके से कोई एक्टिविटी के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा समझाए, रोल प्ले मेथड है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत सारे मेथडोलॉजी होती जी, है अपने उनकी टीचिंग प्रक्रिया को थोड़ा सा चेंज करके। जी हाँ, इसको स्ट्रेटजी कहते हैं, स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के टीचिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से हम अप्लाई करें। तो पढ़ाते वक्त जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें ये शिक्षक को ध्यान में रखना है कि जो स्लो लर्नर है, जो नहीं सीख पा रहे हैं पूरी कक्षा के हिसाब से, उनको सरल एक्टिविटी के द्वारा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मान लीजिए हम बच्चों को दिखा कर, डिस्प्ले करके अगर पढ़ाते हैं, कोई एक्टिविटी के द्वारा, जो क्रिया के द्वारा, रोल प्ले के द्वारा, नाटक के द्वारा हम चीज़ें सिखाते हैं या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कोई चीज़, सिर्फ आपने गद्य गद्य पढ़ाया, प्रोज पढ़ा दिया उनको, या भाषण लेक्चर शैली से पढ़ाया, तो उनको नहीं समझ में आएगा। आप उनको पार्टिसिपेटिव बनाइए,
कोई एक्टिविटी कराइए, क्रियाकलाप कराइए, जिससे वो चीज़ों को समझ सकें और देख कर सीखने वाली चीज़ें ज़्यादा देर तक समझ में आती हैं। तो एक शिक्षक को अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें इन सारी चीज़ों को लागू करना चाहिए, जिससे वो स्लो लर्नर भी कक्षा के मेन पेस पे, मेन धारा पे, मुख्य धारा पे और आ ये सके। हमारे बहुत सारे अनट्रेन टीचर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत से अनट्रेन टीचर्स ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ पे वो मल्टी लेवल टीचिंग कर रहे हैं, एक साथ पहली दूसरी तीसरी कक्षा को पढ़ा रहे होंगे, तो उन्हें यहाँ पे एक अपने आप में एक भिन्नता लानी पड़ेगी और उन्हें समझना पड़ेगा कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के जो विद्यार्थी उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाना है। और प्राथमिक स्तर पे आप सिर्फ भाषण देकर नहीं सफल हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते, आप उनको समावेशी शैली में आप पढ़ाइए, उनको डेमोंस्ट्रेशन करिए, रोल प्ले करिए, नाटक करिए, और जो विभिन्न प्राविधियाँ हैं वो आपके इसमें भी दिया हुआ है कोर्स करिकुलम में, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, वो सारी चीज़ें आप अपनाइए और अपने शिक्षण को बहुत प्रभावशाली बनाइए, जिससे हर मानसिक स्तर के बच्चे सीख सकें। एक और लर्नर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमें लगता है ये लर्नर अभी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी मैम, आप आगे बढ़े। जी, हमने अवधारणा के बारे में किया कि सीखने की अवधारणा क्या है, हमने देखा कि कौन कौन से तत्व प्रभाव देते हैं, अब है कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, कैसे बच्चे, या जिसे कहते हैं हम चिल्ड्रन ना कहें हम इस चीज़ को, हम इसमें एक सही शब्द दें, अधिगमकर्ता, लर्नर कैसे सीखता है। तो उसमें सबसे पहले है इमिटेशन। हमेशा आप देखिए, जो शिक्षक अगर देर से आता है तो कक्षा में विद्यार्थी भी देर से आएंगे, शिक्षक का व्यवहार जैसा रहेगा, बहुत प्यार से बोलेगा, बहुत तेज बोलेगा, या शिक्षक की भाषा का अनुकरण, क्योंकि एक शिक्षक कक्षा में एक ईश्वर से कम नहीं होता है, और इसीलिए कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो जब ईश्वर की उपाधि दी गई है शिक्षक को, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपना व्यवहार, हम अपना चरित्र, अपनी भाषा शैली को ऐसा बनाएं कि छात्र उसका अनुकरण करें। तो छात्र हमेशा इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं, जो शिक्षक ने बोला उसको सीखते हैं। दूसरा, ऑब्जर्वेशन। हम इस स्तर के, जिस स्तर के आप शिक्षक हैं या बनेंगे इस कोर्स करने के बाद, तो उसमें आपका प्राथमिक स्तर के छात्रों से ज़्यादा आपका वास्ता रहेगा, तो इस स्तर के बच्चे देखकर सीखते ज़्यादा हैं, उन्होंने आसपास के माहौल को देखा, बारिश हो रही है, अगर आप उनको बताएंगे किताब में कि पानी ऐसे बूंदे टपकती हैं, ज़मीन गीली हो जाती है, अगर आप बारिश का अवलोकन करवा दें बच्चों को, या आप वृत्त के बारे में पढ़ा रहे हैं कि गोल होता है, आप एक कक्षा में एक वृत्त का ले जाएं, लेडी टीचर चूड़ी दिखा सकती है, जेंट्स चांद और सूरज के बारे में जो है वो बता सकते और हैं। ये तो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत आसानी से क्लास में भी उपलब्ध किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन जो है, देख कर सीखना ज़्यादा उचित होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो बच्चे हैं वो इमिटेशन के द्वारा और अवलोकन के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखते हैं। जी हाँ, हमने ट्रायल एंड एरर की बात की कि गलतियों के द्वारा सीखते हैं, तो वो भी एक सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा, पार्टिसिपेशन। आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो खुद ना करें, उनको आप प्रेरित करें, वो साथ में आपके लगे। जैसे प्रकाश के बारे में ही कुछ है तो मोमबत्ती जलाना, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के बारे में आप बता रहे हैं, तो उनको पार्टिसिपेटरी बनाइए प्रयोग में, एक्टिविटी में। और आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कक्षा के सिर्फ दो चार बच्चे जो तीव्र बुद्धि के हैं, जो आपके प्रश्नों का सही जवाब देते हैं, सिर्फ उन्हीं तक आप ना रहें। कक्षा का, जब तक आपका प्रश्न पूरी कक्षा में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, जब तक पीछे का भी बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा शाई नेचर का है, बहुत शर्मीला है, आपकी बातों का जवाब नहीं देता है, वो भी जब तक आपके प्रश्नों का जवाब ना देने लगे, तब तक आपकी शिक्षण प्रभावी नहीं होगी। तो आपके शिक्षा में छात्रों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समान रूप से प्रश्न वितरित हों, समान रूप से आप उनके उत्तर पूछें, और प्रत्येक छात्र को आप मोटिवेट करें कि वो कक्षा में जो भी एक्टिविटी हो रही है, कक्षा में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, रोल प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है जिसके द्वारा आप पढ़ा रहे हैं, प्रयोग आप कर रहे हैं, तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन हो, उसमें वो सहभागी बने। और जो सबसे उसके बाद की जो बात है, डिस्कवरी, खोजना, खोज के पढ़ना, प्रश्न पूछना, बच्चे प्रश्न बहुत पूछते हैं। इसी प्रश्न से एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गया है। जी हेलो हेलो,
प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व पुनर्बलन क्या है? आप एक फिर से पूछे अपना प्रश्न। प्रतिनिधित्व पुनर्बलन क्या है, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, मेरे प्रतिनिधि पुनर्बलन की बात कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ जी, ओके। और एक और क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर, मेरे को, हम नामी टीचर हैं, क्लास 1-2 को पढ़ाते हैं जी। मेरे को पूरे दिन मतलब 1 और 2 क्लास को टैकल करना पड़ता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कि हम मतलब 3 सब्जेक्ट मेनली रहता है, इंग्लिश हिंदी मैथ जी। एक एग्जांपल के थ्रू मेरे को मतलब बताइए कि मैं कैसे उस चीज को टैकल करूँ, मतलब तीनों सब्जेक्ट लेकर मुझे किस समय क्या चीज पढ़ाने का है, वो चीज मुझे मतलब समझ में नहीं आता है। कभी बच्चे उब जाते हैं, कभी मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ। अच्छा, आपको जी, हम आपका प्रश्न समझ गए। अभी आपको हम इसका मैडम के द्वारा आपको अभी उत्तर देते हैं जी। आपने पुनर्बलन के बारे में पूछा, रीइंफोर्समेंट इसकी अंग्रेजी है। कक्षा में देखिए हर तरीके के बच्चे होते हैं, और वो जो प्रश्न पूछते हैं, कुछ ने आप जवाब दे दिया तो आपने उसको बोला शाबाश, ठीक है, ये आपका सकारात्मक पुनर्बलन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो आप उसको उत्तर बताइए, या कक्षा में दूसरे बच्चों से पूछिए, अगर उन्होंने जवाब दे दिया, और आप उससे रिपीट करवाइए कि क्या उसका उत्तर है, फिर आप उसको बैठने के लिए बोलिए। ये दो तरीके का पुनर्बलन होता है, पहला होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक में भी दो तरीके का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी मुख के द्वारा पुनर्बलन देना और दूसरा बिना मुख के। जैसे आपने बोला, किसी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपने बोला शाबाश, और दूसरा अगर आपको मुंह से नहीं बोलना है तो आपने सिर्फ सिर हिला के आप मुस्कुरा दिए, तो ये भी एक सकारात्मक पुनर्बलन है, जो कि दो तरीके का हुआ, मौखिक और शाब्दिक और अशाब्दिक। उसी तरीके से नकारात्मक पुनर्बलन भी शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। एक आपने ये नहीं बोली कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं आता है, धीरे से आप सिर हिला दीजिए, ना, तो ये हो गया नकारात्मक पुनर्बलन। और अगर आपने उसका जवाब दे दिया, उसको सिखा दिया, सकारात्मक पुनर्बलन हुआ, और ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शाब्दिक और अशाब्दिक होते हैं, लेकिन उसके आत्मसम्मान को ठेस लगाए बिना। आपको उसके ये नहीं दिखाना कि वो हीन है, छोटा है, उसको नहीं आता है, मूर्ख है, ये सारी बातें नहीं बोलनी है। आप उसको माइल्ड वे में, अगर कठिन प्रश्न है तो आप उसको बताइए, अगर बहुत सरल है तो थोड़ा सा आप नकारात्मक पुनर्बलन देखें, लेकिन आपका कर्तव्य आप उसको सिखाएं जरूर, और मझधार में, अधर में ना छोड़ें उसके प्रश्न को, जवाब दें, और तब तक आप संतुष्ट नहीं होइए जब तक आपका छात्र नहीं समझ पाया है। तो पुनर्बलन एक तरीके से मोटिवेशन का ही भाग है, जिसे सकारात्मक और नकारात्मक रूप से हम देते हैं। और मैडम, हम इसकी चर्चा, क्योंकि सर भी हमारे साथ हैं, ये चर्चा उसी विषय पे और अति रूप से, विस्तार रूप से करेंगे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इनका जो एक प्रश्न अभी बाकी रह गया, उस प्रश्न पे हम दोबारा चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपसे फिर जुड़ते हैं। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डीटीएच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल, अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है,
इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच, NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। एक बार फिर से स्वागत है मैम। हम चर्चा कर रहे थे पुनर्बलन पे और इनका जो दूसरा सवाल था कि क्लास में एक साथ तीन तीन क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मल्टी क्लास सिस्टम्स की, तो ये बता रही है कि मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ कि कौन से एग्जांपल्स लेकर, इंग्लिश हिंदी अगर तीन विषय ले रहे हैं तो किस तरह के मैं ऐसे एग्जांपल्स लूँ कि मेरा एक साथ बच्चों को समझाने में या एक ही साथ जो तीन तरह के जो विद्यार्थी बैठे, तीन कक्षा के विद्यार्थी, मैं उनको उनके तक पहुँच सकूँ, उनको समझा सकूँ। देखिए, एक शिक्षक कक्षा का लीडर भी होता है, नेता होता है, और ये जो एकेडमिक लीडरशिप है ये छात्रों को भी आनी चाहिए। तो जैसे कक्षा के जो कुछ बच्चे हैं आप उनको ये दे दीजिए जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे वो जो उनको सिखाया गया है वो उसको ग्रुप में बांटे और उस चीज़ को डिस्कशन करें। ये बढ़िया एग्जांपल। जी हाँ, जो कक्षा आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लीडरशिप या स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, आप उनको दे दीजिए कुछ लिखने के लिए उस विषय पर, वो आपस में मौन वाचन करें और उस चीज़ के को लिख कर उस ग्रुप लीडर को दे दें। तो इसे प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं कि प्रोजेक्ट के द्वारा छात्रों को सिखाना, जब तक वो तीसरे, अब मजबूरी है वो तीन कक्षाओं को पढ़ा रही है, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि एक ही कक्षा में वो तीन, लेकिन वो क्योंकि हमारे अनट्रेन टीचर्स प्राइमरी जो कर रहे हैं वो बहुत जगह पे ये एक समस्या जी, है, ये एक समस्या है, ये समस्या अधिकतर देखी गई है, जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे भी ये समस्या देखी गई है कि वो एक साथ दो दो तीन तीन क्लासेस। तो ऐसे में वही है कि जो ग्रुप टीचिंग है उस ग्रुप को, कुछ जिन्हें बच्चे हैं उनको, लेकिन ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से वो शिक्षक नहीं है, वो उन्हीं छात्रों का जिसे कहते हैं पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग का प्रोसेस वो कर दें। एक ग्रुप को जब तक ये आप पहले पढ़ाइए, उनको फिर पीयर लर्निंग के कुछ काम दे दें, क्योंकि अगर वो छोटे बच्चे हैं दूसरे तीसरे के तो संभवतः ये काम थोड़ा बिल्कुल कठिन जरूर हो सकता है। और वो लीडरशिप एबिलिटी या टीचिंग की बात, इंटरेक्शन की बात या एक दूसरे के नेतृत्व क्षमता छात्रों में उससे विकसित होगी। और उसके बाद फिर ये नहीं है कि आपने उस ग्रुप को छोड़ दिया, आपने तीसरे ग्रुप को जब पढ़ाया उसके बाद आप पुनः उस ग्रुप के पास जाएंगे और उनकी चीज़ों को देखेंगे कि आपने कितना सीखा। ये नहीं कि आपने अधूरे में छोड़ दिया, वो जो छात्र हैं वो पीयर लर्निंग तो कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो शिक्षक के जो निरीक्षण है उसके अधीन है, ये उनको एहसास होना चाहिए। एक ऐसा ही मिलता जुलता सवाल सुष्मिता बिहार से है, ये पूछ रही कक्षा शिक्षण में नाटक की भूमिका। मैं उम्मीद करता हूँ जो अभी हम बहुत सारी चर्चा कर रहे थे उसमें ये कहीं ना कहीं नाटक की भूमिका जरूर सामने आई। बिल्कुल, और नाटक की बहुत अहम भूमिका रही, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अगर भाषण के द्वारा राणा प्रताप के बारे में बताएं, भाषण के द्वारा हम अपने पार्लियामेंट के बारे में बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा है, इतने ही रहते हैं इसकी, अगर हम नाटक के द्वारा सीखना, किसी एक बच्चे को आप राणा प्रताप बना दीजिए, किसी को अकबर बना दीजिए, आधे बच्चे जो हैं वो उस सेना में आ जाएं, अगर रोल प्ले के द्वारा अगर शिक्षक बता पढ़ाता है, नाटक के द्वारा पढ़ाता है, तो कक्षा रुचिपूर्ण होती है और विद्यार्थी ज़्यादा सीखते हैं और उनमें एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, शिक्षा का एक उद्देश्य सर्वांगीण विकास भी है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं। तो नाटक के द्वारा शिक्षण एक बहुत अच्छी विधि है जो आजकल सभी जगह समस्त विश्व में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो एक शिक्षक रोल प्ले के द्वारा, नाटक के द्वारा ज़्यादा अच्छे से, और ख़ासकर ये सोशल साइंसेज में, सामाजिक विज्ञान के विषयों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है, और ये बहुत हद तक सही भी है। सर भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? मैडम ने जो बोला है बिल्कुल सही है, और लेकिन नाटक में एक क्या होता है कि हिडन एजेंडा इसको हम कह सकते हैं, कि जब आप किसी विद्यार्थी को किसी रोल को करने के लिए देते हैं, मैडम ने उदाहरण दिया अभी राणा प्रताप की जयंती थी परसों, अब यदि स्कूल इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित करता है कि चलो हम राणा प्रताप की जयंती को मनाएंगे, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से छात्र छात्राएं अपने सोचेंगे कौन है ये, कौन से महापुरुष थे,
कहाँ के रहने वाले थे, तो आप एक भूमिका उसको देते हैं, चाहे राणा प्रताप की रही हो, चाहे अकबर की हो, या मान सिंह की हो, या राणा प्रताप की माँ की हो, पत्नी की हो, किसी भी रूप में हो, तो जब आप भूमिका देते हैं तो विद्यार्थी को या उसके घर में उसके माता पिता को या उसके और जो जुड़े हुए लोग हैं वो बताएंगे, वो पता करेगा कि कौन थे क्या थे। तो आप तो किताबों में देखेंगे मुश्किल से कुछ जी, एक चैप्टर होगा, कुछ लाइनें होंगी, लेकिन जब पढ़ता है बच्चा तो इनडायरेक्टली बहुत कुछ उसके बारे में पता कर लेता है। ये तो हम देखते आ रहे हैं कि सदियों से जो बुजुर्ग हैं वो कहानियों से अपने बच्चों को बहुत सारी शिक्षा है। और अगर ये पंचतंत्र की बात करें तो वो भी एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और जो छोटे बच्चे हैं वो तो सीखते भी नित्य कहानी और नाटकों से हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा प्रभाव। कंटेंट जो किताब में लिखा वो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो सीखते हैं हिस्ट्री के बारे में, उनकी वेशभूषा क्या थी, उनका बोलने का, उनका इतिहास, तो नाटक विधि बहुत बड़ी विधि है। ये लैंग्वेज में भी बहुत उपयोग में लाते हैं लोग, और सामाजिक विज्ञान में भी काफ़ी उपयोग में लाया जाता है इसको ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा सवाल था नाटक कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी अगर हम छोटे बच्चों की अगर बात करें तो कहानी और नाटक से तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जो सवाल यहाँ पे आप पूछ रहे हैं वो, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये जो कोर्स है इसमें बहुत सी ऐसी जो टेक्निक्स भी, जो आगे आप हमने पिछले अपने एपिसोड में टेक्निक्स पे भी बात की थी, उसमें प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, बहुत से ऐसे मेथड्स की बात की थी जी। एक और सवाल जो हमारे लर्नर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ अपना सवाल पूछें, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ मनीषा कुमारी बोल रहे हैं जी, सवाल पूछें। हेलो, हाँ सवाल पूछें सर। क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई एक बच्चा ऐसा ही गूंगा है। गूंगा है, कैसे समझाएंगे? गूंगा है। हाँ अच्छा, तो आपका सवाल, हेलो हाँ हेलो, हाँ बस आपका सवाल खत्म हो गया, और भी पूछना चाहती हैं आप? नहीं इतना ही, मतलब फिर हम कैसे समझाएंगे? अच्छा ठीक है, इनकी क्लास में एक बच्चा गूंगा है, स्पेशल चाइल्ड है, उनको कैसे समझाएंगे? इनको हमें बताना पड़ेगा कि एक स्पेशल चाइल्ड की नीड्स कुछ और होती हैं। जी मैम, देखिए एक तो विशिष्ट रूप से स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा की बात होती है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन एक साधारण तौर पे सभी शिक्षकों को जो बेसिक्स हैं कि अगर कोई स्पेशल बच्चा है आपकी कक्षा में, कभी मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कभी विजुअली चैलेंज होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जो सुन नहीं पाते हैं, आपने बात की गूंगा है, जब गूंगा है लेकिन सुन तो सकता है, वो देख भी सकता है, तो उसमें आप जितना ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करेंगी, जो वो सुन सके, जो देख सके, प्रयोग तो वो कर सकता है ICT के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, देखकर चार्ट मॉडल के द्वारा आप जितना समझाएंगी तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो ऑडियो विजुअल के द्वारा हम गूंगे बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, और ये एक माध्यम है, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसके लिए वहाँ पे वो ट्यूटर नहीं है जी जो उस सेक्शन को डील कर रहा, तो मुझे लगता है कि जो आपने अभी अभी एग्जाम्पल्स दिए, ऑडियो विजुअल एड्स, चार्ट्स भी हो सकते हैं, लाइव एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, उससे एक बहुत ही मिलता जुलता सवाल राखी वनवर जी पूछ रहे हैं, कक्षा 1-2 के बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है जिससे बच्चे आसानी से सीख सके? अभी हम इसी बात के चर्चा कर रहे थे, इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि इतनी छोटी कक्षाओं में हम बहुत ज्यादा भाषण देकर, रोल प्लेइंग मॉडल और ये सारी जितनी चीजें हम बता रहे थे, जितना ज्यादा वो पार्टिसिपेटिव रहेंगे, ग्रुप टीचिंग होगी, कलेक्टिवली वो सीखेंगे, सहभागिता रहेगी, और जिसे कहते हैं बहुत पहले मरिया मोंटेसरी ने प्लेवे मेथड की बात की थी कि खेल खेल के में सीखना, और उसमें वो खेल में आप बहुत ज़्यादा उनको पहाड़े अगर सिखा रहे हैं लेकिन वही आप गिनती सिखा रहे हैं, अगर क्लास घर से उनको बोल दीजिए कि चने के बीज ले आए, मैं भी देख रही थी कक्षा में गई थी वहाँ पे एक शिक्षिका बहुत अच्छे से उसने बच्चों को वो चने ले आई थी और वो 2 का पहाड़ा सिखा रही थी और उसमें 2 चने फिर 4 चने वो रख रख के उसने दिखाया, हम राजमा रख सकते हैं, हम पेन के द्वारा सिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो एक देखकर सीखना ऑडियो विजुअल के एड के द्वारा, गाने के द्वारा, संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा, नाटक के द्वारा,
और विभिन्न तरीके के क्रियाकलाप के द्वारा, कुछ नहीं तो हम पार्क में घुमाने ले जा सकते हैं, वहाँ हम हवा के बारे में, प्रकाश के बारे में लेक्चर देकर ज्यादा से ज्यादा उनको इन्वॉल्व करें, बिल्कुल इन्वॉल्व, जिसे कहते हैं ना पार्टिसिपेटिव टीचिंग, जिसमें वो उनका पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो। रुचि इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे एक और लर्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना सवाल पूछे। हेलो हेलो, हाँ अपना नाम बताए और सवाल पूछे। मैं शहजुल खान हूँ। जी अपना सवाल पूछे। हाउ टू लर्निंग थ्रू इंक्वायरी मेथड। हाउ टू लर्न थ्रू इंक्वायरी मेथड। यस ओके। देखिए इंक्वायरी क्या है, जिज्ञासा किसी भी चीज़ के बारे में। जो देखिए हम लोग काफ़ी इस उम्र तक आ गए हैं कि बहुत हम काफ़ी चीज़ें सीख पढ़ चुके होते हैं, और किसी चीज़ के बारे में अब दुनिया भर की तमाम बातें हमारे दिमाग में होती है, तो हम बहुत ज़्यादा जिज्ञासु नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारी जिज्ञासा हमारी अब तक शांत हो चुकी होती है। जिस उम्र के बच्चों को आप डील कर रहे हैं, आप पढ़ाएंगे, उनमें प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा मादा रहता है। छोटे बच्चों में बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनमें जानने की जिज्ञासा बहुत होती है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और जिज्ञासु होना बहुत अच्छी बात है। शायद तभी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, आर्किमिडीज ने जो उत्प्लावन बल की बात की, और जितने भी हमारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वो ये इंक्वायरी के द्वारा और जिज्ञासा के द्वारा ही हुए हैं। तो अब बच्चे को आप कोई समस्या देते हैं और उसके लिए उनके अंदर जिज्ञासा है, और उसको शांत करना, कोई समस्या दे दीजिए उनके, और या फिर कोई इंक्वायरी है उनमें वो पूछना चाहते हैं कैसे, क्यों, कब हुआ, तो ये सारी चीज़ें उसको शांत करना प्रयोग के द्वारा, ये भी एक शिक्षण की कौशल विधि है। तो आप उनको जानने के लिए उत्सुक करिए, और वो जब जानने के लिए प्रश्न पूछें, इंक्वायर करें, तो उनकी जिज्ञासा को शांत करना, और वो भी प्रभावी रूप से, और उसके लिए आपका भी उस विषय में ज्ञान आवश्यक है। और कभी भी कक्षा में छात्र को आप ब्लफ मत करिए, कक्षा में छात्र के सवालों का मैं कल दूं, अगर नहीं आता है तो आप बोलिए मैं कल आपको जवाब दूंगा, और दूसरे दिन आप याद रख के उसकी बात का जवाब ज़रूर दीजिए, उनको गलत बात को जी हाँ जी गलत सर, कुछ आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी इंक्वायरी विधि जो आजकल शिक्षण की आधुनिक विधियों में एक बहुत अच्छी विधि मानी गई है, और इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से हमारा एक शिक्षक रूप प्रयास ये होता है कि प्रश्न जो पूछा है बच्चे ने, पहले तो हम ये जानने का प्रयास करें कि स्टूडेंट के प्रश्न दिमाग में आया कैसे, वो प्रश्न कैसे उसके माइंड में आया है, उसको आप जानेंगे, फिर उसके आधार पर आप उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। फिर भी जिज्ञासा शांत नहीं होती तो आप कह सकते हैं कि अच्छा इसका दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है, और जिसको हम कहते हैं ना कि एनालिसिस करना, उसी प्रश्न को छोटे छोटे भागों में विभाजित करा देना, और कोशिश ये करें कि छात्र स्वयं अपनी तरफ से उत्तर लाए जी, ना कि शिक्षक क्रैमिंग कराने की कोशिश करे या रटवाने की कोशिश करे। और आज के समय में तो अब मोबाइल है जी, जी उस पर स्मार्टफोन है, लोग एक और सवाल हमारे लर्नर से। जी अपना सवाल पूछें, नाम बताएं। हेलो आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर हम बिहार से बांका जिले से मिथिलेश बात कर रहा हूँ। जी बताएं अपना सवाल पूछें मिथिलेश जी। जी सर अपना सवाल पूछें मिथिलेश जी। ये अधिगम के सिद्धांत सर कितने प्रकार के होते हैं और इनके घटक? अधिगम के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं और इनके घटक? ये अधिगम के सिद्धांत और इनके घटक के बारे में जानना चाहते हैं। जी अधिगम सीखना कई तरीके से होता है। अभी आप देखिए इस जो कार्यक्रम चल रहा है उसको ध्यान से देखते जाइए, और सिर्फ आपकी बात का हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये जो पाठ है आज का विषय वो सीखने पे ही है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आप इसको ध्यान से देखिए। अभी हम उधर जी हाँ हमने अभी सीखना सीखा कि सीखना क्या है, उसके बाद हमने इस पे चर्चा की कि इस पे कौन कौन से प्रभाव इस पे होते हैं, जो फैक्टर्स हैं जो सीखने की प्रक्रिया पे हैं। अभी हम क्योंकि हम सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं, तो अभी अधिगम के सिद्धांत तक हम आएंगे, और आप बिल्कुल बैठे रहिए और देखिए हम कब बता रहे हैं। जैसा कि अपने सभी लर्नर से एक रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर हम अपने जो वार्तालाप हो रही है, जो चर्चा हो रही है, अगर उससे मिलते जुलते एकदम से सवाल पूछेंगे तो हम उसका जवाब तुरंत दे पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। अगर हम
उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हमें वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में समय लग जाएगा और हम अपनी चर्चा से भटक भी सकते हैं। देखिए, हम जो ये बात कर रहे थे हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उसका जवाब इन्हीं आपको मिल ही रहा है कि ये भी सीखने के प्रकार की ही हम बात करें। सबसे पहला जो मैंने आपसे बताया था इमिटेशन, नकल के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर, ये भी अधिगम का एक प्रकार है, पार्टिसिपेटिव, हम उसमें भाग लेते हैं रोल प्ले की, जैसे हमने बात की, नाटक के द्वारा प्रश्न भी आए तो वो भी एक सीखने की प्रक्रिया है, और उसके डिस्कवरी, इंक्वायरी, आविष्कार के द्वारा सीखना, जैसे अभी प्रोफेसर सत्येन ने भी ये कहा कि इंक्वायरी में हम आप उनको मोटिवेट करिए कि वो प्रश्नों के हल ढूंढें, इंक्वायर करें, खुद अन्वेषण करने का उनमें मादा हो सीखने का, और आप पैसिव रहिए, पीछे रख के देखिए कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यही है, आपने उनको एक समस्या दे दी और उसका वो चांद और सूरज के बारे में आपने पूछा, या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में आपने बॉल रख दिया कि कैसे सूर्य ग्रहण होगा कैसे चंद्र ग्रहण होगा, तो एक आपने समस्या दी और उसको वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक अधिगम का प्रकार है। उसके बाद लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग, सीखना सिर्फ क्या होता है, सीखने के बाद आप किसी उद्देश्य तक पहुँचते हैं, किसी परिणाम तक पहुंचने हैं, सीखना आपको किसी प्रश्न का सही जवाब देता है, तो एक मीनिंग मेकिंग होता है, तो ये सीखने की प्रक्रिया का ही भाग है। मैं समझता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे जो लर्नर्स हैं वो अभी इतने ज़्यादा उत्सुक हो गए हैं कि वो आगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप हमें देखते रहें और हमसे जुड़े रहें, अपने सवाल भी पूछते रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाएंगे जब हम ये अपनी चर्चा खत्म करेंगे। जी मैम, हम आगे बढ़े। इमिटेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि नकल के द्वारा बच्चे कैसे होते हैं, तो वेज टू स्ट्रेंथन इमिटेशन, उनको किसी के बारे में सीखना, उसकी नकल करना वो किस तरीके से होता है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेज, उनको उनकी तारीफ करना, उनको इंसेंटिव देना, इंसेंटिव आपको पैसे नहीं देने हैं, उनके लिए अगर कक्षा में सही जवाब मिल गया तो आपने तालियाँ बजवा दी, ठीक है। सेटिस्फाइंग, उनके जो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है उसको सेटिस्फाई जवाब देना, तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, किस प्रकार से वो आपके इमिटेट करेंगे, उसमें ये है कि द मॉडलिंग इफ़ेक्ट, उनको कोई भी चीज़ के बारे में एक परिपक्व रूप में आपको एक उदाहरण देना है, उसके मॉडल के द्वारा उनको समझाना है तो वो उस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद है कि वो कैसे उस चीज़ को दोबारा अपने रूप में उसी रूप में उस चीज़ को कैसे दोहराते हैं, तो ये सारी चीज़ें इमिटेशन के विभिन्न प्रयोगों में। एक और सवाल जी। जी अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हाँ जी पूछे अपना सवाल। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ उस विद्यालय में केवल एससी छात्र हैं। कौन से छात्र हैं? एससी। एससी छात्र हैं जी। जी उसे हिंदी समझने में कठिनाई होती है, तो आपकी भाषा में किस तरह सिखाया जाए? अच्छा, और वो एसटी छात्र हैं, वहाँ के ट्राइबल एरिया वाले हैं। जी जी सर। ओके, अच्छा उनको हिंदी समझने में मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, तो स्थानीय भाषा से कैसे समझाए? जी देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि जिस वर्ग आयु वर्ग के बच्चों को आप पढ़ाते हैं वहाँ पे भाषा जो है वो एक बहुत माध्यम बहुत तो है, माध्यम है, लेकिन श्रवण कौशल और दृश्य श्रव्य सामग्रियों के द्वारा, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं, हम कर चुके हैं कि भाषा किसी भी चीज़ में कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता है। अगर आपको स्थानीय भाषा नहीं आती है, बहुत आप उनकी भाषा नहीं बोल सकते, या उनको आपकी भाषा हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो इस उम्र में भाषा से ज़्यादा अवलोकन, हम अभी बात भी कर रहे थे, प्रश्न आया था हमारे पास कि सीखने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो हमने इमिटेशन के बारे में बात किया था, और उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे कि ऑब्जर्वेशन, बच्चे देखकर सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखते हैं, तो आप देख रहे हैं, देखकर आप उनको, आप कोई चार्ट दिखा दीजिए, मॉडल दिखा दीजिए, प्रयोग के द्वारा दिखा दीजिए, तो वो अगर नदी के बारे में आप बता रहे हैं, नदी का आप चित्र दिखा रहे हैं, कोई मॉडल के द्वारा कैसे पानी गिरता है, कैसे जंगल में कैसे जीव जंतु होते हैं, तो आप ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करिए। आपको संथाली भाषा नहीं आती मगर आसपास के लोगों से, कम्युनिटी से आप थोड़ा, इन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टीचर को भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसे
एरिया में शिक्षक हैं तो वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी तरीके से उस भाषा में पारंगत हों, मगर आपके लोकल लोगों की भी आपको सहायता थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। वहाँ के लोकगीत हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनका आप रिकॉर्ड कर लीजिए उस चीज़ के बारे में कि वो क्या है। थोड़ा सा वो ऑडियो विजुअल एड के द्वारा आप अपनी भाषा को थोड़ा सा उनकी भाषा को मिलाते हुए, क्योंकि हिंदी से भी वो दूर नहीं रह सकते, हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी उनके लिए भी जानना आवश्यक है और आपके लिए भी उनकी लोकल भाषा को जानना आवश्यक है। तो जो एक मध्यम मार्ग है दोनों का थोड़ा सा मिला जुला रूप और करके इनको आगे बढ़ना बिल्कुल पड़ेगा। और ऑडियो विजुअल एड के द्वारा आप जितना ज़्यादा उनको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भाषा गौण हो जाएगी और सीखना ज़्यादा प्रभावी होगा। तो जब हम बात कर रहे थे कि क्या प्रोसेसेस हैं, तो उसमें है कि जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे सत्येन जी, कि सीखने की प्रक्रिया कैसे, अभी तक तो हमने प्रकार किया जो उनके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं, तो ऑब्जर्वेशन है, ट्रायल एंड एरर है, ये सारे प्रकार जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। और इसके जो पहले की जो बात हम कर रहे थे कि प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो उसमें है सीखने में अटेंशन प्रोसेस। किसी भी विषय वस्तु को जब आप पढ़ाते हैं तो आपके छात्रों का अटेंशन होना चाहिए, उसमें ध्यान उनका होना चाहिए। अगर आप रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाएंगे तो क्लास में बच्चे अटेंटिव होंगे। तो प्रक्रिया अटेंशन प्रोसेस एक नियम है। दूसरा रिटेंशन प्रोसेस, आपने बच्चे को पढ़ा तो दिया मगर वो बच्चा भूल गया अगले दिन, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पढ़ाने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। आप उनको, हम ऑडियो विजुअल की बार बार बात कर रहे हैं, आप देखी हुई चीज ज्यादा स्थायी रूप से रहती है। ये भी आप बता चुकी हैं, लेक्चर मेथड जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा। छोटी कक्षाओं में तो वैसे जी हाँ बिल्कुल, आप जैसे वृत्त के बारे में, त्रिकोण के बारे में बता रहे हैं, तो रोटी के बारे में बता रहे हैं, तो किसी बच्चे के टिफिन में रोटी जरूर होगी, गोल रोटी आप दिखा दीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, चौकोर है, रबड़ आप आयताकार आप दिखा सकते हैं, तो ये सारी चीजें। लड़की जैसे चूड़ी भी पहनी होगी। जी हाँ बिल्कुल, चूड़ी जैसे कि हम बात कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल तो क्लास में ही मिल जाएंगे। बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश में या अभी जो पिछले ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर आपने ज्ञान दिया है तो वो कितनी देर तक रिटेंशन, मतलब उसको कितनी देर तक बच्चों के दिमाग में वो रहा, स्थायी रूप से कितना स्थायित्व रहा, वो इसमें। एक और सवाल जुड़ रहे हैं एक लर्नर हमारे से। जी अपना सवाल और पूछें। हाँ हेलो सर जी, अपना नाम बताएं। जी मैं विष्णु मालवीय अत्याधिकार एमपी से बोल रही हूँ। जी पूछे अपना सवाल। सर मुझे ये पूछना है कि समन्वय कार्य क्या है और इसका महत्व क्या है। एक बार फिर से पूछे अपना सवाल। समन्वय कार्य क्या है और इसका महत्व क्या है। समन्वय कार्य, हाँ हेलो सर, मेरा ये सवाल है कि समन्वय कार्य क्या है और इसका महत्व क्या है। समन्वयकार तो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, ये कोई शब्द नहीं है, मगर समन्वय से अगर आप जोड़ेंगे, मेरे ख्याल से समन्वय जो हम अभी बात कर रहे हैं जिसको ब्लेंडेड मेथड कहते हैं, ये आजकल ब्लेंडेड लर्निंग मेथड्स को, जी हाँ समन्वय ये पूछना चाहते हैं। हाँ शायद आप अगर समन्वय ही पूछना चाह रही हैं, तो आजकल ब्लेंडेड लर्निंग की बात बहुत ज़्यादा होती है जिसमें शिक्षक पढ़ाता भी है। शहरों में स्मार्ट बोर्ड हैं, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट क्लासरूम होते हैं उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा शिक्षक पढ़ाता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर आ गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल आ गए हैं, तो इस समन्वयकारी जिसे कहते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग में आप किसी चीज़ के बारे में बताइए और उसके बाद जैसे आपने कोई प्रयोग करवाया फोटोसिंथेसिस के बारे में, आपने रूट जड़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं, या फिर आप सोशल साइंसेज हिंदी में आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं, और या लिंगवापोन कोई कविता आप उनको बता रहे हैं, तो आपने कविता के बारे में गद्य और या पद्य गद्य पद्य के बारे में बताया, और उसके बाद कोई ऑडियो विजुअल एड आप सुना दें, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग सुना दें, तो ये समन्वयकारी शिक्षा या ब्लेंडेड लर्निंग का एक उदाहरण है। तो आपको इसमें अपना IQ एक शिक्षक के रूप में, आपको जितना ज़्यादा आप अपनी टीचिंग को इनोवेटिव करेंगे, जितना अच्छा आप इसको करेंगे ऑडियो विजुअल, जो हम मोटर रिप्रोडक्शन जो हमने बात अभी की कि प्रोसेस क्या है, तो दो प्रोसेस हुए, पहला अटेंशन प्रोसेस और दूसरा रिटेंशन। तो ये जब आप तरीका अपनाएंगे तो वो रिटेंशन उनके दिमाग में देर तक वो चीज़ रहेगी भी, ब्लेंडेड लर्निंग या समन्वयकारी जो है। और जो तीसरा इसमें बात है, पुनः अपनी बातों पे आए, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोटर रिप्रोडक्शन मतलब क्रिया के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा सीखना, और वो उसके जो उसने सीखा है उसको गति हम किस प्रकार से दें,
आपने किताबों में देखा होगा कि थ्योरी तो दी हुई है लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल भी करना दिया गया है, बच्चे को करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वो मोटर रिटेंशन के बारे में है कि जो बता दिया और उसको करके जब वो बच्चा सीखता है, प्रयोग के द्वारा खुद सीखता है, तो ये मोटर रिटेंशन प्रोसेस हुआ। और उसके बाद की एक प्रक्रिया है मोटिवेशनल प्रोसेस, कि कैसे हम मोटिवेट करें बच्चे को आगे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। हम गृह कार्य दे रहे हैं, उसने उसका टेस्ट कर रहे हैं, उसको वेरी गुड बोल रहे हैं, गुड बोल रहे हैं, तो ये भी एक प्रक्रिया है जो बच्चे जो के बहुत सीखने जरूरी में है। जब तक हम मोटिवेशन हाँ। नहीं करेंगे। एक और सवाल हमारे साथ हमारे लर्नर जुड़ रहे हैं। जी जी, सवाल पूछे, नाम बताए अपना। जी, मेरा नाम दिनेश प्रजापति है। जी सवाल बताए। मेरा नाम दिनेश प्रजापति है। हाँ, अपना सवाल पूछें आप। मन बुद्धि वाले बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? मंद बुद्धि वाले बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? एक ये फिर से मिलता जुलता सवाल हमारे बीच आया है। जी देखिए, एक होता है टेस्ट, एक शिक्षक आपके कोर्स करिकुलम में भी होगा अचीवमेंट टेस्ट, यानी जो बच्चे ने कितना सीखा। कक्षा में आप परीक्षा लेते हैं, वो भी एक तरीके का टेस्ट है, ठीक है। परीक्षा के द्वारा आपको पता चलता है, और हर प्रश्न को, जैसे एक हम होता है आइटम एनालिसिस, या एक प्रश्न आपका आइटम है, आप एक शिक्षक हैं और कक्षा में जब प्रश्न पत्र चेक करते हैं तो आप देखते हैं कोई प्रश्न बहुत कठिन होता है तो कहते हैं उस प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, कोई प्रश्न बहुत सरल होता है। जब सरल प्रश्न को भी कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा उसका मंद बुद्धि तो हम नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वो स्लो लर्नर है ये। लेकिन अगर हाँ, वो बार बार ये प्रवृत्ति दिखा रहा है तो हाँ, हम पता लगा सकते हैं कि ये निश्चित ही और बच्चों से थोड़ा कम सीख पा रहा है। कक्षा में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में जब आप रोज कक्षा में जा रहे हैं, अपने छात्रों से आप मुलाकात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कुछ बच्चे जल्दी सीख जा रहे हैं, वो बच्चा पर्टिकुलर जिसकी आप करें, या कुछ एक दो बच्चे ही मंद होते हैं कक्षा में, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनको फिर आपको विशिष्ट विधियां, जैसे हमने बार बार बोला कि ऑडियो विजुअल के द्वारा, या उनको किस मोटिवेशन के द्वारा, कुछ विशिष्ट विधियों के द्वारा आप उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दीजिए, कुछ उनको विशिष्ट अलग तरीके के होमवर्क दीजिए, उनके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं, माता पिता से भी बात करिए, आप उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, वो घर में किस तरीके से उसको रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाएं, आपको उसे पनिशमेंट नहीं देना है, आपको उसको समझना है, कक्षा में उसको अपमानित नहीं करना है, और उसको जितना भी उसने किया है उसको मोटिवेट करना है। तो ये सारी चीज़ें मंद बुद्धि बच्चे को आप पहचान सकते हैं प्रश्नों के द्वारा, अवलोकन के द्वारा आप बिल्कुल, और उनके पढ़ाने की विधियों को भी आपको थोड़ा सा उनकी क्षमता के अनुरूप करना पड़ेगा। हम अपनी इन चर्चाओं के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। समय की सीमा से
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े प्रेम विषय की लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े प्रेम विषय की लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने Educated India. शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस ध्येय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता DTH स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32 शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब DD डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और IGNOU का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है अभी तक हम चर्चा जो कर रहे थे वो अवधारणा और प्रक्रिया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से कारकों की मैडम ने चर्चा की अनुकरण अवलोकन प्रयास एवं त्रुटि सहभागिता खोजबीन पूछताछ समस्या समाधान अर्थपूर्ण अधिगम और अन्य
आपने सवाल पूछे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस वाला जो पार्ट है वो आप समझ पाए होंगे। इसमें आपने बहुत से, एक बार फिर से दोहरा दूँ, आपने बहुत से इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में भी जाना, जहाँ पे चिल्ड्रन, हाउ चिल्ड्रन लर्न, जहाँ पे वो एक्सपीरियंस, थॉट एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ट्रायल एंड एरर, इमिटेशन और अन्य, आपने इन्हें समझा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप एक बार अपना SLM पढ़ेंगे और जब एग्ज़ाम में इस प्रकार के कोई भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप इनका उत्तर बढ़िया रूप से दे पाएंगे। अब हम आगे आते हैं और मैं प्रोफेसर गुप्ता जी से अब अनुरोध करूँगा कि वो शिक्षण प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तृत रूप से बताएं और व्यवहारगत रूपांतरण के जो शिक्षण है, जिन्हें हम टीचिंग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहते हैं, जिसमें कुछ रूल्स भी हैं, कुछ आपके थ्योरम्स भी हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ अब हमें प्रोफेसर गुप्ता ये बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। जी प्रोफेसर साहब। जी मनोज जी, जब हम लोग बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया की, तो शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो ही लोग होते हैं, एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक जिसको थोड़ा सा अधिक ज्ञान होता है और एक जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास आया होता है। इन दोनों के मध्य में एक, जैसे प्रोफेसर सरोज ने पहले आपको बतलाया है कि इन दोनों के मध्य में क्या बात हो, एक शिक्षक के रूप में मैं बैठा हूँ, मेरे सामने एक विद्यार्थी बैठा है, लेकिन दोनों करें क्या, तो हमारे बीच के मध्य में आ जाता है पाठ्यक्रम, जो कि मुख्य रूप से समाज के लोगों ने या शिक्षाविदों ने तय किया होता है इस स्तर के ऊपर विद्यार्थियों को इन विषयों के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। अब शिक्षण के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, और जैसा कि स्पेशली इस कार्यक्रम के जो हमारे दर्शक हैं और पहले से शिक्षण के क्षेत्र में हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा अनुभवी हैं, सिर्फ ये है केवल हाँ एक औपचारिक रूप से उनको शिक्षण की कौशलों के बारे में और विशेष जानकारी जो कि शिक्षाविदों ने बनाई है, पुस्तकों में लिखा हुआ है, उसके बारे में उनको और जानकारी चाहिए। तो सबसे पहली बात आ जाती है शिक्षण है क्या। तो सामान्य रूप से लोग ये कहते हैं शिक्षण का अर्थ है कि जो आप जानते हैं, जिस विषय के बारे में आपको जानकारी है, वो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को आप सिखला दीजिए। तो इसी को हम अपने इतिश्री मान लेते हैं कि ये हमारा काम खत्म हो गया है और इस पुस्तक में ये लिखा था, इस चैप्टर में लिखा था, ये मैंने क्लास में खड़े होकर बोल दिया और मेरा काम खत्म है। अब इस विद्यार्थियों ने सीखा नहीं सीखा, किस स्तर तक सीखा, ये मेरा उत्तरदायित्व तो नहीं है। परीक्षा में पास हो जाएंगे तो अगली कक्षा में चले जाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो वो फेल हो जाएंगे, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से दिस इज़ नॉट द टीचिंग, ये हमारा शिक्षण नहीं है। शिक्षण केवल छात्रों को अपने विषय को रटवा देना ही शिक्षण नहीं है। इसलिए शिक्षण की जब परिभाषाओं की हम बात करते हैं तो हमें दो रूप से शिक्षण की परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। एक हम कह सकते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ, और दूसरा हम कह देते हैं शिक्षण का वास्तविक या ब्रॉडर फॉर्म में द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द टीचिंग। तो नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग में मुख्य रूप से क्या आ जाता है हमारे सामने कि टीचिंग मीन्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, जो मेरे दिमाग में है वो मैं अपने मुँह से बोल के या कागज़ों पर लिख के या चित्र बना के या टीचिंग एड दिखला के और स्टूडेंट्स के दिमाग में भर दूँ, ये नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग है। इसमें बात आती है जो हमारा आज के विषय का मुख्य जो कारण है जिसमें हम बात कर रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहाँ हुआ, तो थोड़ा सा इसके बाद में चर्चा करूँगा कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मीनिंग क्या है, व्यवहारगत परिवर्तन का उद्देश्य हमारा क्या है, वो कैसे होता है। तो लेकिन जो नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग की बात करते हैं कि शिक्षण एक संकुचित प्रक्रिया है, तो इसमें शिक्षक यही चाहता है कि जो मैंने सीखा, जो किताबों में लिखा है, वो उनको रटवा दूं और परीक्षा हो तो उसमें अच्छे से वो लिख दें, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें और मेरा काम खत्म हो गया। ये एक तरह से हम कहते हैं नैरो मीनिंग ऑफ द टीचिंग। देखिए, वह नॉलेज इम्पार्ट करना, स्टूडेंट के अंदर कुछ स्किल डेवलप कर देना, ये एक बहुत संकुचित अर्थ में है। जब हम ब्रॉडर मीनिंग की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है, जैसा कि आपके सामने एक लाइन आ रही है कि टीचिंग इज़ हेल्पिंग अदर पीपल टू लर्न। ये मुख्य रूप से शिक्षण क्या है कि हम जो हमारे पास सीखने के लिए आया है, चाहे वो शिक्षार्थी के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य रूप में हो, हम उसे कुछ सिखला पाएँ, उसको सीखने में हम सहायता कर पाएँ। या अच्छा शब्द क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग अदर पीपल, कि वो कुछ सीखना चाहते हैं उसमें हम एक
सोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में उनकी हम सहायता कर दें सीखने के लिए, ना कि जो मैंने रटा है, जो मैंने समझा है वो मैं उनके दिमाग में ठूंस दूँ। तो ब्रॉडर मीनिंग आपको, तो जैसे मैम ने बहुत एलेबोरेट किया है पहले से कि टीचर इज ए फिलोसफर, गाइड एंड हेल्पर, गाइड एंड हेल्पर तो आपका काम है गाइड करना मुख्य रूप से। और विद्यार्थी तो इतने उत्सुक होते हैं कि आप एक बार इशारा तो करिए, वो खुद अपने आप सीखने की क्षमताएं रखते हैं। एक इसी सहायता से एक हमारे जी मनोज साथी हमसे जुड़ चुके हैं जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं। बहुत अच्छा। यस सर, माय नेम इज सोनगिरी, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? यस प्लीज, अपना सवाल पूछें। यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस यस सर, सर आई वांट टू नो दैट how to understand the psyche of the child and how to cope up the fear of the child and how to develop the interest in learning towards the child. एक साथ इन्होंने तीन सवाल पूछ लिए, so many questions. लेकिन मुख्य जो समझ में आया है, जो मुख्य रूप से है कि विद्यार्थी को हम लर्निंग के लिए कैसे इनिशिएट करें या कैसे उसको उत्साहित करें, इनका जो अंतिम समझ में आया प्रश्न है कि हाउ वी कैन मोटिवेट द चिल्ड्रन फॉर द लर्निंग। तो आगे इसी में विषय में चर्चा करूंगा, इसमें बहुत सारे शिक्षाविदों ने अपने अपने मॉडल जी हमारे जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के हम थ्योरीज की जब बात करेंगे तो ये सारे मुख्य रूप से इनके जवाब इनको यहाँ मिल जाएंगे। बी एफ स्किनर की थ्योरी की बात आएगी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी की जब बात करेंगे, ऑपरेंट कंटिन्यूशन की जब बात करेंगे, तो वहाँ ये आपको वहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि शिक्षक का मुख्य कार्य होता है कि छात्रों, अब जो अभी पूछा है हमारे शिक्षक महोदय ने, शिक्षक साथी ने प्रश्न, वो इससे भी जुड़ रहा है कि हमारा काम है स्टूडेंट्स को केवल सीखने के लिए उत्साहित कर देना, उनको मोटिवेट कर देना। उसके लिए हम उनको आगे ज़िंदगी में आप क्या क्या कर सकते हो इसको सीखने के बाद, यदि हम ये उनको समझा पाएँ, देखो बेटा आप पढ़ोगे, आप सीखोगे, आप अच्छे ढंग से परीक्षा पास कर लोगे, तो देखो आपके आस पड़ोस के कितने लोग हैं जो कि या तो नौकरी के रूप में हैं या व्यापार के रूप में हैं, वो कितना बढ़िया कर रहे हैं, यदि आप भी पढ़ेंगे तो आप भी उसी तरह से और अच्छा कर पाएंगे, आपके परिवार में भी वृद्धि होगी, समाज में भी आपको बढ़िया प्रतिष्ठा मिलेगी। आप देखिए आपके पड़ोस के जो अंकल हैं या चाचा हैं या ताऊ हैं, जिस भी नाम से आप उनको जानते हैं, उनकी समाज में प्रतिष्ठा क्यों है, वो केवल इसलिए कि उन्होंने अपने समय में अपनी पढ़ाई अच्छे से की और उस पढ़ाई के कारण आज वो समाज में एक सम्मानजनक स्थान पा पाए हैं। तो टीचर केवल इशारा कर देता है तो शिक्षक जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको सीखने में बड़ा अच्छा लगता है और सीख भी लेते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसमें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ टीचिंग में, जो कि आपके इस कंटेंट में लिखा हुआ है कि टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट दोज एक्टिविटीज़ दैट एक्सपीरियंस हैज़ शोन टू बी इफेक्टिव इन गेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। कि आप ऐसी गतिविधियाँ करें कक्षा में या कक्षा के बाहर जिससे कि स्टूडेंट्स सीखें, लर्न करें, उनको सीखने के लिए उत्साहित हों, उनको कुछ ऐसे अनुभव मिलें जिन अनुभवों को आधार बना के वो आगे के और अनुभवों को प्राप्त करने का प्रयास करें। अभी जैसे प्रश्न आया था तो उन्होंने कहा कि हम कैसे उत्साहित करें, तो हर विद्यार्थी के जीवन में जिसको हम एक शब्द उपयोग में लाते हैं शिक्षा के अंदर, प्रीवियस लर्निंग, एक शब्द और आता है एंटरिंग बिहेवियर, तो सभी के पास होता है जरूरी, समझने में भी बच्चों को समझने में भी आसानी हो जाती है कि उसको कितना ज्ञान है और कितने ज्ञान के साथ वो इस कक्षा में आया है। तो आप यदि उसके जीवन के अनुभवों का उपयोग अपने शिक्षण में कर लेते, देखो बेटा आपने पहले सीखा था, आपने पहले ये पढ़ा हुआ है, या आपके घर के आसपास या आपके परिवार में ऐसे हुआ है, आप उसको आधार बना के जब अपने विषय पर लेकर आते हैं तो रिलेशन विद द प्रीवियस नॉलेज आप करते हैं तो उसको लगता है कि नया तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये तो पहले से मैं जानता हूँ, बस केवल आप उसको एक और सवाल हमारे साथ। हेलो हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम आदित्य प्रकाश पांडे है और मैं बिहार से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछें। सर मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, एक मैं प्राइवेट स्कूल में अभी टीचिंग कर रहा हूँ सर जी, और आज मैं क्लास से एक ऐसे स्टूडेंट से मिला सर जो कि जिसका एज एकदम अप्रोप्रिएट है सर, एज अप्रोप्रिएट है क्लास थ्री के लिए, लेकिन जब मैंने उसका रीडिंग स्किल चेक किया सर तो मैं जाना कि वो सिर्फ ए से लेकर पी तक जानता है। ओके ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि मैं क्या करूँ कि इस विद्यार्थी को उसके अप्रोप्रिएट लेवल तक पहुँचा सकूँ उसके स्टडीज में, मेरा ये सवाल है सर। अच्छा,
मुझे लगता है कि वो अभी जैसे मैं समझ पाया हूँ कि एज अप्रोप्रिएट लग रहा है, पर जब इन्होंने जाना हम प्रीवियस नॉलेज की जो बात कर रहे थे, पर जब उन्होंने पढ़वाने की कोशिश की तो वो ए बी सी ही जान पा रहा है, मतलब और उसे ज्यादा जानता ही नहीं है। उम्र में और शिक्षा के ज्ञान जी एक संबंध नहीं बैठा पा रहे हैं, और ये इसलिए उत्सुक भी हैं और जानना चाहते हैं कि ये क्या करे कक्षा में उसको पढ़ाने के लिए। नहीं, अच्छा है, और मुझे बहुत खुशी है कि शिक्षक जो हमारे बंधु हैं और इतना चिंतित हैं अपने विद्यार्थियों को कि वो भी उस लेवल तक पहुँचें, तो निश्चित रूप से उसके पीछे की कक्षाओं में शायद उसने उतना अच्छा ज्ञान नहीं मिला है, या आपके जैसे शिक्षक का सहयोग नहीं मिला है जो कि उसको मोटिवेट कर पाते कि चलो तुम और आगे बढ़ो। हाँ, मैं तो इसमें कुछ कहना चाहूँगी कि एज अप्रोप्रिएट में ये है कि मान लीजिए कक्षा 5 का वो बच्चा है और आप उसको कक्षा 1 का उदाहरण दें तो वो एज अप्रोप्रिएट शिक्षा नहीं हुई जी। या कक्षा 5 का समझने वाली बात है, एज अप्रोप्रिएट करिकुलम बनाने की बात होती है, और जो करिकुलम बनाने वाले लोग होते हैं जो 12th स्टैंडर्ड में मान लीजिए कोई है तो उसको हम कक्षा 5 का करिकुलम नहीं पढ़ा सकते। उसी तरीके से कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे को आप 10th लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। अब इस उम्र का बच्चा है तो उसको जो आप उदाहरण देंगे वो उसकी उम्र के हिसाब से देंगे, पानी के बुलबुले, गीत के संगीत या आसपास की चीज़ों को आप बता के उदाहरणों के द्वारा देंगे। लेकिन अगर कक्षा 5 का बच्चा है तो आप थोड़ा सा उससे कठिन चीज़ें के उदाहरण देके आप समझाएंगे, कक्षा 8 का बच्चा है तो उससे थोड़ा सा कठिन। तो जो लेवल के अकॉर्डिंग उदाहरण, लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट, या जो क्लिष्टता है विषय को कठिन बनाना, विषय को ज़्यादा देना, कक्षा 1 के बच्चे को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं पढ़ा सकते हैं, कक्षा उसको थोड़ा सा आपने ज्ञान दिया, कक्षा 5 का थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान उसको देते हैं, कक्षा 10 में वो ज़्यादा और कक्षा 12 में आपको बहुत ज़्यादा। तो वही है कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपने एज अप्रोप्रिएट शिक्षा की बात की कि हम, मैं देख रहा हूं कि कक्षा में एज अप्रोप्रिएट है, मान लीजिए दूसरी या तीसरी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं तो जब आप पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण उसी के क्षमता के अकॉर्डिंग आप उसको देंगे, जो गद्य है या पद्य है या जो उसका कंटेंट है उसकी क्षमता, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ आपने दे दी, विषय वस्तु दे दिया, होमवर्क दे दिया तो वो नहीं कर पाएगा, या बहुत सरल दे दिया तो वो नहीं कर पाएगा। तो आपको उसकी उम्र के हिसाब से शिक्षा ध्यान रखना है। और एक और लर्नर हमारे से जुड़ रहे हैं जी। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम माया देवड़ा है। सवाल मुझे, मन बुद्धि बालक है, मेरी क्लास में एक लड़की है, तो कौन सी मेथड से बेटर सीख पाएगी जी? ये देखिए एक बार फिर से वही सवाल, एक इनके कक्षा में मंद बुद्धि छात्र हैं, तो ये बोल रहे कौन से मेथड से, जिसकी बात आप पहले भी कर चुके हैं ऑडियो विजुअल और बहुत से जी। सर आप बताएं, सर एक बार फिर से इस सवाल का जवाब एक बार हम फिर से दे रहे हैं, ये चर्चा पहले भी कर चुके थे जिसका जवाब मैडम दे चुकी थी कि इनकी क्लास में एक मंद बुद्धि बालक है, उसको कैसे ये टीच करें कि वो कुछ सीख पाए, समझ पाए? पहली बात तो ये है कि जो अभी टीचर मैडम ने जो कहा है मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि का ठप्पा हम किस आधार पे लगा रहे हैं जी? एक ये भी एक, क्या वो मेडिकली सर्टिफाइड है वो मंद बुद्धि, या आपकी कक्षा में शांत बैठता है, आपके पढ़ाने में रुचि नहीं लेता इसलिए आप उसको मंद बुद्धि कह रही हैं, या उसके परिवार के सदस्य उसके माता पिता कहते हैं ये तो मंद बुद्धि है? तो थोड़ा सा ना, किसी बच्चे को आप कहोगे मंद बुद्धि हो, तुम बुद्धू हो, तो अच्छा नहीं लगता है। तो सर्टिफाइड नहीं है, डॉक्टर ने नहीं बोला है, जैसे पहले भी सरोज मैम ने बतलाया था कि यदि उसकी उम्र और उसकी ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि बालक है तो और कोई काम कर ही नहीं सकता। जब वो अपनी दैनिक क्रियाएं अच्छे से कर लेता है, वो अपने साथियों के संग बढ़िया हंस के खेलता है, जब आप उसको खेलने के लिए कहे तो अच्छे ढंग से खेलता होगा, मज़े लेके खेलता होगा, तब तो मंद बुद्धि नहीं समझ में आता है वो। लेकिन पढ़ते समय आपको लगता है कि जो मैं सिखलाने की कोशिश कर रही हूँ वो नहीं सीख रहा है, तो यही बात जो मेरा टॉपिक है, जो मैं बात कर रहा था, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि हमारी आदत क्या हो गई एक शिक्षक के रूप में, जो मैं चाहता हूँ भाई सामने वाला विद्यार्थी वही व्यवहार करे। और मैम ने पहली शुरुआत आज के कार्य इसी से की थी कि हर छात्र बिल्कुल अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी सीखने की दर, सबकी सीखने की क्षमताएं, सबके सीखने का रिस्पॉन्सेज हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो आप एक कक्षा का जिसको आप कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो उसके अनुसार ही वो व्यवहार करे, उसका व्यवहार का अपना तरीका है। तो शिक्षाविदों ने कहा भी है कि आप उसको देखिए कि बाकी अन्य व्यवहार किस प्रकार के प्रदर्शित कर रहा है। अब जो अपने दैनिक क्रियाएं नहीं कर सकता है, जो अपने घर के काम नहीं कर पा रहा, तब तो आप कहोगे मंद बुद्धि है, इसको नहीं आता है, और दिमागी रूप से या मानसिक रूप से इसमें कमी है, तो अलग बात है।
लेकिन यदि वो सारे काम अच्छे से कर रहा है केवल आप ही कक्षा में पढ़ते समय रुचि नहीं प्रदर्शित कर रहा है तो ये दूसरा विषय हो जाता है। तो अभी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, रुचि अगर है तो उसको जैसे और हाँ, बहुत से मेथड हाँ, ऑडियो विजुअल हमने अभी बहुत सी बातें की हमने, ऑडियो विजुअल हो, रोल प्ले मेथड हो, उसको नाटक के द्वारा सीखना, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, संगीत के द्वारा उसकी रुचि को बढ़ाना और वो सीख सके, उसमें तो ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री है। जैसा कि अभी सर भी कह रहे थे कि उनके पेरेंट्स को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हमें पता लग पाएगा कि वाकई वो मंदबुद्धि है भी कि नहीं है। भाई बहन होते हैं, उसके दोस्त वाले होते हैं, उसके रिश्तेदार, वो बताएंगे कि नहीं देखो आपके घर में तो बच्चा चुपचाप बैठता है लेकिन मेरे आगे इतनी शैतानी करता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स की क्लास में बहुत शांत बैठा है और अन्य का सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर रहा है। हमें एक तो अपना शिक्षण रुचिपूर्ण बनाना और सबसे बड़ी बात है एक शिक्षक को पेशेंस, जिसे कहते हैं ना धैर्य रखना, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। बिल्कुल, ऐसे बच्चों के साथ हमें नाराज नहीं होना है, बहुत चिढ़ना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है। बिल्कुल, जितनी बार वो प्रश्न पूछे, जितनी देर वो सीखे, आपको बहुत ही ज्यादा धैर्य के साथ उसे सिखाना है। हमारे टीचर्स इतने जागरूक हो रहे हैं। एक और सवाल हमारे बीच में। हेलो, यस, हेलो, यस जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जीवा से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से। जी पूछे अपना सवाल। सर हमारे स्कूल में कुछ बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में, तो उनके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाए? देखिए एक बार फिर से वही सवाल, मेरे ख्याल से एक बार बार वही सवाल, और जो हमें सुन पा रहे हैं वो एक बार ध्यान से सुने जो चर्चा यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये सारे मिश्रित सवाल लेकिन एक ही स्वरूप के हैं। जी देखिए इसमें डॉक्टर साहब आप हमें ये इन्हें हम आपके माध्यम से और मैडम के माध्यम से इन्हें बताना चाहेंगे कि ये जो सवाल है उसमें सभी में एक इंटरेस्ट की कमी दिख रही है। तो जैसे अभी अभी मैडम ने कहा कि हमें अपना टीचिंग जो है वो अपने आप को खगालना है, व्यवहार को खगालना है और उससे और सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से तरीके, डॉक्टर साहब आप कुछ बताएं इस पर। नहीं बिल्कुल, सभी प्रश्न वही आ रहा है कि विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और मैडम कितनी बार उसमें बतला चुकी हैं कि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के कई तरीके हैं। तो इसी में एक आता है जैसे कि मोटिवेशन की एक थ्योरी आती है स्किनर की, है कि आप कुछ भी छात्र छोटी सी भी अच्छी क्रिया करता है तो आप उसको मोटिवेट करिए, उसको आप कि रिइंफोर्समेंट, चाहे वो कक्षा में ताली बजाने का हो, चाहे उसको प्रार्थना सभा में सबके सामने खड़े होकर उसकी बढ़ाई करने का हो कि वैसे उस बच्चे ने ये एक्टिविटी की थी बहुत बढ़िया की है सबके सामने, क्योंकि हर चीज़ रुपये पैसे और वस्तु दे के नहीं हो सकता है, सम्मान आप छात्रों बहुत अच्छा बोलना भी एक बहुत बड़ा। बिल्कुल, और मेरा ये कहना है कि जब बच्चे इंटरेस्ट ना लें सीखने में तो आप पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया में और सुधार की आवश्यकता है। आप जितना अपने शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाएंगी उतना ज़्यादा बच्चे सीखेंगे रुचिपूर्ण तरीके। बिल्कुल, एक और सवाल हमारे बीच में। हेलो जी, हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम उमेश कुमार है। जी अपना सवाल पूछें। हेलो, हाँ अपना सवाल पूछें, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी सबसे पहले आप सब लोगों को सादर प्रणाम। आपको भी प्रणाम। जी प्रणाम। अपना सवाल पूछें, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं लाइव आप लोगों को देख रहा हूँ। हाँ आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अपना सवाल जी, मेरा सवाल है कि शिक्षकों को अपने दायित्व का निर्वाह, जी अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार करना चाहिए? शायद दायित्व का निर्वहन करने हेतु अब हम कैसे प्रेरित करें? कैसे प्रेरित करें शिक्षकों को? सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ये। देखिए इसका भी जवाब बहुत कुछ यहीं से में छुपा हुआ है। हाँ, बहुत छुपा हुआ है। और जब हम बात करते हैं शिक्षकों की या शिक्षण प्रक्रिया की, तो समाज ने शायद शिक्षकों से अच्छा स्थान किसी को नहीं दिया है। कोई राजनेता हो जाए, चाहे कोई व्यापारी हो जाए, चाहे कोई भी हो, लेकिन समाज में आज भी एक स्थान जो शिक्षकों का है समाज के लोगों के बीच में, वो अभी गिरा नहीं है। और उसके लिए उत्तरदायित्व भी आप जैसे शिक्षक हैं जो चिंता करते हैं इस बात की कि हम शिक्षक बिरादरी के लोगों को भी अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से निर्वाह करना चाहिए, जिससे कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके कि सर देखिए या मैडम देखिए आपने अपना काम पूरा नहीं किया। तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक तो देखिए सेल्फ मोटिवेशन होता है, कोई भी शिक्षक हो
आपको नौकरी मिली है या आप नौकरी में अपने मन से आए हैं, तो नेचुरली हम इसी काम के लिए आए हैं कि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे से करें। नहीं चाहिए उन्हें, सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहना चाहिए। आप दूसरों को देख के कि भाई देखो नेता ने ऐसा कर दिया, उस व्यापारी ने ये कर लिया, उसने अपना बड़ा घर बना लिया, उसने ये कर, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ये तो हम जब आते हैं शिक्षण के प्रोफेशन में तो हमें पहले से पता होता है कि शिक्षकों की क्या सैलरी होती है, शिक्षकों के लिए क्या नियम कानून बने हुए हैं, शिक्षकों के लिए सरकार के नियम क्या हैं, सुविधाएं क्या हैं। अब आप उस ट्रॉफी, या तो आप संतुष्ट नहीं है इस नियम कानूनों से, तो उस शिक्षण प्रक्रिया में मत आइए। और जहां तक मुझे लगता है सर कि टीचर को ये समझना चाहिए कि मुझे अपने लिए भी समय देना है और वो पढ़ाई भी करे और नए तरीके भी खोजे कि मैं किस तरह से कितना पढ़ूं और बच्चों को समझा सकूं। सेल्फ लर्निंग आप करते हैं तभी आप स्टूडेंट्स के लिए नए नए खोजें, मतलब आज क्या हो गया, आज देखो ये नया ये आ गया, अमेरिका ने, नासा ने ये कर दिया, भारत ने जैसे मंगलयान भेजा एक साल हो गया ऊपर, तो ये जब नई नई घटनाएं दी हैं आप उसके बारे में खुद भी जानकारी करेंगे, फिर छात्रों को देंगे, तो निश्चित रूप से आप भी उत्साहित होते हैं, आपकी लर्निंग अपडेटेड रहती है और आप स्टूडेंट को लगता नहीं मेरा जो टीचर है ये सर या मैडम जो है इनको सब जानती हैं वो, तो आपको विश्वास करता है। और आजकल तो इंटरनेट ने काम भी बहुत आसान कर दिया दोनों के लिए। अधिकारों की जब हम मांग करते हैं कि हमें इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, हमें इतनी छुट्टी मिलनी चाहिए, हमें ये हक हैं हमारे, तो वहीं पे अधिकार के साथ दायित्व भी आते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, हम सही वक्त पे आते हैं कि नहीं आते हैं, हम सही तरीके से हम कक्षा में आने के पहले हम तैयारी करते हैं कि नहीं अपने विषय की, हमने भी अपने विषय के, क्योंकि गूगल का ज़माना है, बच्चों को ज्ञान बहुत रहता है, जब तक आप उनको कुछ ज़्यादा नहीं देंगे अपने विषय के बारे में आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा और आप बिल्कुल सही समय पे पाठ्यक्रम को पूरा करवा रहे हैं, सही तरीके से अपना रहे हैं, आप उनको कक्षा के सहभागी क्रियाकलाप, न सिर्फ प्रयोग ये जो थ्योरी है उसके अलावा आप उनको विभिन्न एक्टिविटी के द्वारा, प्रयोग के द्वारा रुचिपूर्ण तरीके से कक्षा को पढ़ाते हैं और एक पिता और पुत्र का संबंध छात्र और शिष्य गुरु के बीच में होता है, तो आप उस तरीके से अपने आप को भी वो मोटिवेट रखें, क्योंकि तो, आप सबसे बड़े भगवान के रूप में आपको अगर विद्यार्थी देखता है। एक और सवाल एक लर्नर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी हेलो, अपना नाम बताइए सर। मेरा एक सवाल, हेलो, हाँ अपना पूछे, अपना सवाल पूछे। हाँ, सर मेरा नाम उमेश कुमार माली है, मैं एमपी से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक को जी एक शिक्षक को में कई काम करने पड़ते हैं। हाँ, जैसे हाजिरी भी लेता है, होमवर्क भी देता है, पिछला होमवर्क चेक भी करना पड़ता है। हाँ, और एक पूरा कोर्स पूरा करने का भी दबाव उसके ऊपर होता है जी। और हम देखते हैं कि जो एक पीरियड की अवधि हो 35-35 या 40 मिनट की होती है जी, तो ये सब काफी अनप्रैक्टिकली होता है सर। तो निवेदन है कि थोड़ा मार्गदर्शन करें कि क्या करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के ये टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही ये अनट्रेन्ड जो टीचर्स हैं, शायद अब हमारे इस कोर्स के माध्यम से तभी हमें बोलते हैं कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इनका सवाल बहुत उपयुक्त है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरत है और हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत, एक टीचर भी एक बहुत अच्छा मैनेजर होना चाहिए और अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमें ये इनको समझाने की जरूरत है किस तरह से अपना टाइम मैनेज करें, वो सारे काम भी इन्हें करने हैं, पढ़ाना भी है और जितने इन्होंने कार्य बताए जो इनके हिस्से में है वो भी इन्हें करना है। जी सर, देखिए समस्या तो है और जो मेरा अनुभव है व्यक्तिगत रूप से कक्षा में पढ़ाने का या और जो अनुभव सुने हैं अपने विद्यार्थियों से कि आपको पढ़ाना मुख्य उत्तरदायित्व है हमारा, तो पहला ध्यान तो हमारा उसी पर ही होना चाहिए कि भाई मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे क्लास में पढ़ाना है और स्टूडेंट की लर्निंग हमें बेटर कराने पर प्रयास करना है। अब होमवर्क चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, अदर नहीं तो होता क्या है, आप होमवर्क नहीं चेक करते हैं, गृहकार नहीं देखते हैं, तो कल के दिन विद्यार्थी फिर वो करना छोड़ देते हैं, तो फिर आपको ये नहीं पता चलता है कि उसकी जो इवैल्यूएशन के थ्रू में पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है, किस कैटेगरी पर लर्न कर रहा है, तो वो भी होता है। तो निश्चित रूप से शिक्षण एक ऐसा हमारा प्रोफेशन है जो कि हमसे स्कूल आवर के बाद भी टाइम डिमांड करता है कि आपके पास जो 5-6 घंटे का विद्यालय समय है वो तो हमें पढ़ाने के लिए मिल रहा है, उसका निश्चित रूप से हम 1-2 घंटे चाहे विद्यालय में चाहे घर में हमें इन कामों के लिए देना ही पड़ता है, चाहे उनका होमवर्क चेक करना हो
या अपने रजिस्टर्स पूरे करने हों या और उत्तरदायित्व हमें मिल जाते हैं स्कूल में प्रशासन से। ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात पे हम फिर से चर्चा में अब जुड़े रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और इस टाइम मैनेजमेंट की चर्चा जो कि बहुत अहम मुद्दा है इस पर हम फिर से बात करेंगे। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डीटीएच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। जैसा कि हमसे एक सवाल पूछा गया है कि इतने सारे काम टीचर को करने हैं और उनको सारे काम मैनेज करने हैं, तो एक अच्छा टीचर वही है जो अपने सारे कामों को समय से पूरा करे और कक्षा में टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को भी वैसे ही रखे जैसा कि वो बाकी काम कर रहा है। हमारे साथ जो अनट्रेंड टीचर्स हैं उनके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि वो समझें कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट उनके लिए ज़रूरी है, एक मैनेजर होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी सर, आप इस पर प्रकाश डालें। और हम लोग टीचर ट्रेनिंग में एक कॉन्सेप्ट सिखलाते हैं, एकेडमिक कैलेंडर, जिसको आप सिंपली टाइम टेबल कह सकते हैं, ईयर प्लान कह सकते हैं, कि आप जब सत्र शुरू होता है तो सत्र शुरू होने से पहले ही हम पूरे अगले 10-11 महीने की पूरी प्लानिंग करके रखते हैं और कि इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें इतना सिलेबस हमें कवर करना है, इस समय हमारी परीक्षाएं होंगी, कभी कभी प्रशासनिक कार्य आ जाते तो उस समय प्रशासनिक कार्य आ सकता है। तो एकेडमिक कैलेंडर यदि हम पहले से बना लेते हैं, उसी में हम साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी कैलेंडर बना लेते हैं और उसी के साथ साथ आप एग्जामिनेशन का कैलेंडर भी बना लेते हैं, तीनों को एसोसिएट कर देते हैं, तो मुझे लगता है बहुत कुछ समस्या आपकी वहाँ पर शायद सॉल्व हो सकती है कि आपको पता है कि मुझे इतने समय में इतने काम करना है। इवन उसमें हम लोग एक बात और करते हैं कि आप मंथली प्लान भी बनाइए, उसके बाद आप वीकली साप्ताहिक प्लान भी बनाइए और उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेसन प्लान की। तो यहाँ मैं बात करूँगा वीकली प्लान भी आप अपना बनाते रहिए, जिससे कि आपको पता चले इस हफ्ते यदि मेरी कहीं और बिजीनेस हो गई है या आप छुट्टी पे चले गए या और कोई अतिरिक्त कार्य आ गया था, तो इस हफ्ते का बचा हुआ शिक्षण कार्य मैं अगले हफ्ते दो हफ्ते में मैं इसको पूरा कर लूँगा, जिससे कि दो हफ्ते बाद मेरा जो प्लान था उसी के अनुसार अब मैं वापस अपने ट्रैक पर आ जाऊँगा। तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ एकेडमिक कैलेंडर भी हमें बहुत कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखलाता है। तो ये सरकार की तरफ से भी आता है, छुट्टियों का पहले आता है, अब उसी के अनुसार अपने शिक्षण का भी कैलेंडर
मैप कर सकते हैं, तो उससे दोनों आपकी समस्या शायद मैं समझता हूँ इस सवाल के जवाब से संतुष्ट होंगे और कोशिश भी करेंगे किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। जी अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे जी, सर। मेरा एक इसमें मुख्य पॉइंट है, आज हम लोग बात करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, व्यवहारगत परिवर्तन। तो पहली बात तो ये है कि व्यवहार का अर्थ क्या है, एंगल कैसे होता है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। और आज आपकी कक्षा में शिक्षण के पश्चात यदि विद्यार्थी ट्रायंगल पहचान लेता है कि देखो सर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर शेप है, ये त्रिभुज बना हुआ है, इस चित्र में यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, तो उसी को हम कह देते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कि जो विद्यार्थी अभी तक इन ज्यामिति आकृतियों को नहीं पहचान पा रहा था, या उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, या टेक्निकली उसके बारे में उसके डेफिनेशंस उसको नहीं पता थे, और आपके शिक्षण के बाद जब विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे देता है, तो उसी को हम सरल भाषा में कह देते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। एक लर्नर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें। जी जी जी, आप अपने टीवी की आवाज कम करके हमसे सवाल पूछें। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आई? गुणवत्तापूर्ण बिहार में? जी जी जी, मैं एक सरकारी विद्यालय का टीचर हूँ और जहाँ तक मैं जब विद्यालय जाता हूँ तो क्लास 8 के बच्चे का लेवल क्लास 2 और 3 से ज्यादा का नहीं लग दिखाई पड़ता है। मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए वो फिर से वही सवाल है, और हम बिहार की ही बात क्यों करें, ये तो पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो अनट्रेन टीचर्स जुड़े हैं वो पूरे देश से जुड़े हुए हैं, और करीब ये संख्या 14 लाख से अधिक की है। तो इनका सवाल भी बहुत अहम है जी। और इन्होंने देखिए, जो आपसे अभी ये सवाल हम कर रहे थे, जो एक सवाल पहले भी आया कि कक्षा 8 का बालक ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो कक्षा 2 के बराबर की नॉलेज रख रहा है, ज्ञान रख रहा है। देखिए जहाँ तक आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते हमें कहा जाता है कि हम समाज के मशाल वाहक हैं, हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। बिहार की बात, देश की बात, विश्व की बात हम जहाँ तक कर रहे हैं, हमारा जहाँ तक परिक्षेत्र है, हमारी जहाँ पे जहाँ तक पहुँच है, हम अपना काम अच्छा करें। एक इंडिविजुअल के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, अगर आप हर साल 50 छात्रों को भी सही शिक्षा दे पाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन जिसे कहते हैं, जिसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, उसका मतलब आपने अपना कर्तव्य कर लिया। सही समय पे आप आ रहे हैं, हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, उत्तम शिक्षा आप दे रहे हैं, रुचिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण हो रहा है, विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन हो रहा है, और उनका जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, अगर एक शिक्षक के रूप में प्रतिवर्ष आपने 50 विद्यार्थियों को भी किया, तो वो एक क्वालिटी एजुकेशन होगी। हमारी ये बात होती है कि हमेशा हम दूसरों को देखते हैं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, सिस्टम में ये दोष है, अड़ोस पड़ोस में ये है, समाज ऐसा है। हम अपना काम अच्छे से करें और अकेले ही शुरुआत होती है। जी ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि गुणवत्ता लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप में गुणवत्ता लानी पड़ेगी। बूंद बूंद से ही घट भरता है, तो एक बूंद अगर प्योर होगी, परिष्कृत होगी, तो सारे ही हम आसपास, हमने अपना घर साफ किया और पड़ोस में गंदगी की, तो वही चीज़ है कि जब सब लोग अपना अपना घर साफ करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ साफ रहेगा। तो आपको देख के बच्चे सीखेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग सीखेंगे, और हर शिक्षक जैसे मैंने कहा मशाल वाहक है, तो निश्चित रूप से शिक्षा की जो जगेगी और क्वालिटी एजुकेशन समाज के निचले तबके तक, ग्रास रूट लेवल जिसको कहते हैं, कि उस स्तर तक मूल रूप से शिक्षा अगर आ गई तो वो ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी। कहते हैं घर की नारी को शिक्षित करिए, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगी तो उसके बच्चे भी शिक्षित होंगे। तो वही चीज़ है, मूल नारी से हुआ और पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, गांधी जी ने कहा था। वही चीज़ है, एक शिक्षक अगर अच्छा हुआ, 10 शिक्षक अच्छे हुए, 20 शिक्षक हुए, तो हम पे समाज की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और गुणवत्ता लाने के लिए आपने तरीके तो बताए ही, बहुत से गुणवत्ता लाने के लिए आप उसमें बहुत सारी चीजों, टीचर एज मैनेजर की आप बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, उदाहरण को पढ़ते रहना चाहिए, समावेशी विधियां, नए तरीके जिसको आजकल इनोवेशन बाय टीचिंग कहते हैं, इनोवेटिव टीचिंग आप पढ़िए कराइए, जो घिसी पिटी बातें उनसे लीक से हटके जो पूरी दुनिया में क्या क्या नई मेथडोलॉजी है
उन चीज़ों को आप लाइए ऑडियो विजुअल एड के द्वारा, जो जो रिसर्च हो रहे हैं दूसरे देशों में, विदेशों में, जो नई बातें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप उन चीज़ों को लाइए और नए तरीके के द्वारा पढ़ाइए, तो गुणवत्ता निश्चित रूप से आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बच्चे से सबसे ज़्यादा जुड़ना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है उसके तरफ ध्यान, अपने बच्चों को प्यार करें, अपने विद्यार्थियों को प्यार करिए। और यहाँ मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है कि एक है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि आप सुधरिए, आप अच्छे से पढ़ाइए। अच्छी बात है कि आप स्वयं अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ यदि केंद्रित रहते हैं, चलिए मेरा जो जिम्मेदारी है मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरे ढंग से निर्वाह करूँ, तो जब विद्यार्थी आपको प्यार करेंगे तो दूसरे शिक्षकों की अवहेलना करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि मेरे से क्यों स्टूडेंट उतना प्यार करते जितना दूसरे शिक्षक से प्यार कर रहे हैं, तो उसके मन में आएगा। हाँ, तो उसके मन में आएगा, तो फिर वो दूसरा शिक्षक भी आपको देख के शायद अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस सवाल का जवाब ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और सबसे पहले अपने में गुणवत्ता लाने की कोशिश करेंगे। और ये किसी को दोष या अगर हम ये कहें किसी को दोष देने वाली बात नहीं, अगर हम अपने आप को देखेंगे तो शायद हम बहुत अच्छा करने का अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। और बच्चों से अगर हम जुड़ेंगे तो, और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अगर हम जितना ज्यादा अपने ज्ञान को भी बढ़ावा देंगे, नए तौर तरीके लाए बच्चों में। गिजू भाई बधेका एक बहुत ही विख्यात गुजराती हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, खासकर प्राथमिक शिक्षा में। तो गिजू भाई बधेका के बारे में आप जरूर पढ़ें, उनका जो शैक्षिक सिद्धांत था, कैसे एडवर्स परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में गुजरात के गांव में आज़ादी के समय की ये बात है। उनका लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है दिवा, कैसे उनके जो पढ़ाने की प्रविधियाँ थी, उनके प्रधानाध्यापक उनकी बातों पर इत्तेफाक नहीं रखते थे, बच्चों के पेरेंट नहीं इत्तेफाक रखते थे, उन्होंने बच्चों को कैसे बताया कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, खाने पीने के तौर तरीके, बोलने के तौर तरीके, रहने के तौर तरीके। और प्रोफेसर सत्येंद्र भी बता रहे थे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, तो ये सारी चीज़ों को आप करेंगे तो गुणवत्ता जो है फिजिकल रिसोर्सेज में, और जो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे लेबोरेटरीज हों, आपके आसपास की लोकल चीज़ों से आप चार्ट मॉडल बना सकते हैं, एक्टिविटी में उनको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो गुणवत्ता उन सारी चीज़ों से भी आएगी, प्रयोग के द्वारा आएगी, इनोवेशन के द्वारा आएगी और नए ज्ञान के संप्रेषण के द्वारा आएगी। मैं समझता हूँ कि अब इनको अपने जवाब का पर्याप्त उत्तर मिल चुका होगा। सर अब हम अपने वापस हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। तो इस स्लाइड का अभी आपके सामने स्लाइड आ रही है, इसका सेकेंड पैराग्राफ आप पढ़िए, जिसमें लिखा है व्हेन वी चेंज और मॉडिफाई द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। मैंने अभी ऑब्जर्वेबल की बात की थी हम लोगों ने, कि ऐसा व्यवहार जो कि हम देख पाएँ, उसको हम जांच कर पाएँ, विद्यार्थी स्वयं भी जांच कर पाए, उसके माता पिता उसकी जांच कर पाएँ, शिक्षक भी उसकी जांच कर पाए, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सामान्य रूप से हम कक्षा में कहते हैं आपने समझ लिया, तो बच्चे कहते हैं हाँ सर हमने समझ लिया। जब आप उससे प्रश्न करते हैं या परीक्षा में प्रश्न देते हैं तो पता चलता है विद्यार्थी ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन कक्षा में तो सब शोर मचा के कह रहे सर हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो प्रश्न किए थे कक्षा में वो उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाए, उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं कर पाए, और जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं उस समय आप उस प्रकार के व्यवहारों का परिवर्तन आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षक आज के समय में जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो है आपकी आउटकम बेस्ड, कि आपकी शिक्षण की प्रक्रिया ऐसी हो जो कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन निश्चित रूप से दिखलाए, परिलक्षित करे। यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं है इसका अर्थ है कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया में दोष है, कोई दोष है। जी एक और लर्नर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 हाँ जी, अपना नाम बताएं। हेलो मैं हाँ। अमित कुमार आर से बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछें। मैं पूछना चाह रहा था कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति कैसे आकर्षित किया जाए, छोटे बच्चों को 1-2 क्लास का। देखिए ये सवाल भी एक बार फिर से रिपीट हो गया। इन्होंने कहा कि छोटे कक्षा के बच्चों, जो 1-2 की कक्षा के बच्चे के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको कैसे आकर्षित किया जाए, ये इसका जवाब भी हम दे चुके हैं पहले। बहुत से फिर बोलूंगी कि आप उनको भाषण ना दें, आप उनको कठिन उदाहरण ना दें, उनको
अपनी गतिविधियों के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा उनको रुचि पैदा करें, अपने शिक्षण में रुचि पैदा करें, ही रखे सारी चीजें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जैसे होता है, खेल खेल में सीखना, प्ले वे मेथड है, हमने इसकी बात की है, तो इन सारे तरीकों को रोल प्ले रटन विधि को छोड़ के बाकी सब, जिससे वो शिक्षण के प्रति ज्यादा उनकी रुचि हो सीखने के प्रति, और उदाहरण उस हिसाब के दें, उनको रुचिपूर्ण तरीके से उनको पढ़ाएं, ऑडियो विजुअल के उधर, फिल्म भी, सिनेमा भी एक माध्यम है सीखने का, टेलीविजन भी एक माध्यम है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, रेडियो के द्वारा वार्ता है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आप इसके द्वारा उनको पढ़ाइए, उनकी रुचि जागृत होगी, कविता के कहानियों को आप उसको टेप करके सुनाइए, तो इन सब चीज़ों के द्वारा उनकी रुचि जागृत होगी और वो सीखेंगे, रिटेंशन रहेगा उनके दिमाग में, जो उन्होंने सीखा वो देर तक रहेगा। जी ये सवाल हमारा, अब ये इस प्रकार के सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गए, और अब एक बार हम सभी से निवेदन करेंगे कि वो ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत से सवालों का रेपिटेशन भी हो जाता है, जिससे अच्छी बात है, हम बार बार सुनते हैं तो हमें बार बार, हम बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपका भी रिटेंशन हो पा रहा है। जी सर, हम आगे बढ़े। अभी जो प्रश्न आया था और मैम ने जो बात कही, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज के समय में मोबाइल, अब इसको आप यंत्र के रूप में, जिसे विज्ञान अभिशाप और वरदान है, सेम रूप में आप मोबाइल को वरदान के रूप में भी देख सकते हैं और मोबाइल को अभिशाप के रूप में भी देख सकते हैं। हम सभी माता पिता की एक ही शिकायत है, मेरा बच्चा हमेशा हाथ में मोबाइल लिए रहता है, हमेशा मोबाइल ही खेलता रहता है। तो आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं कि आप चाहे वो नर्सरी प्रेप के बच्चे हों, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हों, अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए नए ऐप डेवलप करने की। उसी आप मोबाइल खेलना पसंद है, मोबाइल लिए रहिए, लेकिन आप मोबाइल में पढ़ने का काम करिए, आप मोबाइल से सीखने का काम करिए। तो प्ले वे मेथड मोबाइल के थ्रू भी आ गए हैं। जी, प्ले वे मेथड से एक और लर्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हाँ, अपने टीवी का, मैं लर्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। हेलो हाँ जी, सवाल पूछें। हेलो, मैं मुकेश बिहार से। जी हाँ, सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है सर, कि मैं गांव के स्कूल से हूँ, तो वहाँ पे ये कहना है कि बच्चों के जो अभिभावक हैं वो शिक्षा के प्रति अग्रेसिव नहीं है, तो अभिभावक को समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए? अभिभावक को समझाने के लिए क्या प्रयास किए जाए? जी क्या वो आपसे नाखुश हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा देना है, प्रतिदिन स्कूल नहीं भेज पाते हैं? अच्छा, स्कूल नहीं भेज पाते, ध्यान नहीं, घर घर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं घर पे। जी, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, ये एक सर हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो स्कूल भी नहीं भेजना चाहते, उनसे घर में काम लेते हैं, खेतों में काम लेते हैं, क्योंकि ये गाँव के क्षेत्र से एक सवाल आया है। तो ये इस पर क्या इनको सुझाव देंगे आप? इसमें सुझाव अभी जो मैं कह सकता हूँ इसमें, कि माता पिता क्यों नहीं भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, शायद उनके पीछे उनका जो खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है कि देखो उसका बच्चा स्कूल जाता था, उसने क्या कर लिया, बाद में फिर वो भई मेहनत मजदूरी कर रहा है या भई वो खेत में आके काम कर रहा है, तो स्कूल भेजने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? यदि ये सोच हमारी है कि नहीं हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, हम नौकरी करने लायक हो जाएंगे, तो शायद इसलिए जो इस ग्रामीण पृष्ठभूमि के मैं कहूँ या इवन शहरी क्षेत्रों में भी जो मजदूरी करने वाले हैं वो इसलिए शायद नहीं उतना आतुर होते अपने बच्चों को भेजने के लिए स्कूलों में कि तुम बेटा बिहारी बेटी पढ़ के करेगी क्या, उसको नौकरी तो मिलनी नहीं है। तो ये सोच यदि हम उनके अंदर से निकालें, देखिए नौकरी सब कुछ नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान का जैसे मैम ने बहुत बड़े उदाहरण दिया था कि आपकी बेटी पढ़ती है तो बेटी अपने घर में भी शिक्षित होती है और निश्चित रूप से विवाह करेंगे अगले घर में जाएगी तो वो अपनी संतानों का भी ध्यान अच्छे से रख पाएगी। तो केवल पढ़ाई का अर्थ, शिक्षा प्राप्त का अर्थ केवल नौकरी यदि हम दिमाग में रख के चलते हैं कि हमें तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी कल के दिन मेरे बच्चे को, तो शायद इसलिए फिर कभी भी अध्यापक इस विद्यालयों में ना भेजे। लेकिन यदि हम ये उनको समझा पाएँ कि केवल नौकरी करना उद्देश्य नहीं है, आजकल बहुत से उदाहरण न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कि लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए की नौकरियां छोड़ी हैं, विदेशों की नौकरियां छोड़ी हैं और वापस वो इनोवेटिव तरीके से खेती करना शुरू कर रहे हैं, बहुत से उदाहरण आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो एक किसान का बच्चा है, उसने एमबीए भी किया, लाखों की नौकरी भी की और वापस आ गया अपने गाँव में, और अब वो लाखों रुपये, लड़के भी लड़कियाँ भी, वो
लाखों रुपए अब अपने खेती से उपजा रहे, जो उसके माता पिता नहीं कभी के उस जमीन से उपज ले पाए, अब वो उससे ज़्यादा उपज ले पा रहा है। केवल किस कारण से? क्योंकि उसने उस स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और कुछ नए स्किल्स, नए इनोवेटिव आइडियाज़ वो लेकर आया है। तो शिक्षा केवल नौकरी देने का माध्यम नहीं है, शिक्षा के माध्यम से जो बात हम लोग कर रहे हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यदि आप व्यवहार में अपने मानसिक स्तर में परिवर्तन ले आते हैं और ये बात हम अपने अभिभावकों को समझा पाएं कि भाई देखिए विश्व में सत्यन जी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है पेरेंट ट्यूटरिंग। हाँ। जो अभी शहरों में तो पेरेंट टीचर मीट होता है। हाँ। जिसमें पेरेंट जाते हैं 2-3 महीने पे और अपने बच्चे के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे इनके साथ ये समस्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, उसमें इन्हें ये करना चाहिए कि उनको महीने में एक बार पेरेंट्स से मिले और नहीं भी तो अगर गांव का क्षेत्र तो उनके घर ही चले जाएं, नहीं आ रहे हैं तो छोटा छोटा सा गांव में खुद जाएं, वहां पे इकट्ठा करें और उनसे पूछें कि भाई क्या कारण है। शिक्षा का महत्व जरूर समझाएं, शिक्षा का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने कहा नौकरी ही एक उद्देश्य नहीं है, जो भी आप एक शिक्षित व्यक्ति, बहुत सारे क्षेत्रों में शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, व्यवहार में परिलक्षित होता है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसाय में वो जा सकता है। और अर्जन करने के अलावा ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानी होना, व्यवहार अच्छा करना, सदाचारी बनना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। तो क्या समस्या है घर में, उसको पेरेंट के साथ मिलके शिक्षक को समस्या का समाधान करना चाहिए कि भाई अगर वो मजदूरी करने जाते हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो हम टीम टीचिंग की बात कर रहे हैं, आजकल मोबाइल टीचिंग की बात कर रहे हैं, वो कक्षा में आए, कुछ इस तरीके से समायोजन किया जाए, मिलके करें कि भाई उस समय कम से कम आए। मिड डे मील जैसी चीज़ें तो हैं अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को, लेकिन उसके अलावा भी उनको समझाने की। जी एक और सवाल हमारे बीच में। हेलो जी सर। जी सवाल पूछें, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर सुन रहे हैं, फिर से आप लोगों को नमस्कार। जी सवाल पूछें। जी सुन रहे हैं सर। हाँ हाँ आप अपना सवाल पूछिए जी। NIOS से जो हमने मटेरियल डाउनलोड करके प्रिंट किया है जी, हेलो, उसमें लिखा हुआ है श्रेय अंक 4 = 3 + 1, ये श्रेय अंक क्या होता है सर? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, एक बार प्रश्न अपना फिर से दोहराएं, ये किस संदर्भ में आप प्रश्न पूछ रहे हैं? जी मेरा प्रश्न है सर जी। जी श्रेय अंक जो दिया है NIOS के मटेरियल पे, ये श्रेय अंक क्या होता है? श्रेय अंक मुझे इनकी बात हाँ, इनका प्रश्न क्लियर भी नहीं हुआ। कर भेज दीजिए, यहाँ के जो ऑफिशियल होंगे, जो हेल्पलाइन पे होंगे, वो आपकी बात और का दूसरी जवाब बात है कि हमने उनका हाँ। इस तरह से जो हमारी गाइडलाइंस हैं हाँ, मैं एक बार यहाँ दर्शकों को बता दूं, जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें हमने क्लियरली लिखा है कौन से अंक विभाजन को क्लियरली निर्दिष्ट हर चैप्टर यूनिट वाइज किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये प्रोग्राम गाइड एक बार देख लेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे, आज हम लर्निंग पे सीखने की प्रक्रिया पे बात कर रहे हैं और तो क्योंकि ये सारा ही सब कुछ ऑनलाइन माध्यम है, तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि कहीं पे भी किसी भी लर्नर को समझने में परेशानी ना हो। तो अंक तालिका में अगर वो जाएंगे तो वहाँ पे वो साफ साफ दिया गया है, समझने में कोई मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी सर आगे हम बढ़ते हैं। अभी जो पेरेंट ट्यूटिंग पे बात आ रही थी, तो जैसे बहुत से संगठन के विद्यालय हैं जिनमें व्यवस्था है कि उनके शिक्षक स्वयं जाके महीने में एक बार या 2 महीने में 1 बार जाके खुद मिलते उनके घरों पे जाकर, और जो पब्लिक स्कूल्स कहिए या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कहिए, तो उन्होंने सिस्टम बनाया कि हर महीने वो भी पेरेंट को बुलाते हैं। लेकिन आप वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ भी शायद पेरेंट्स का स्कूल में आके शिक्षकों से मिलने का यदि परसेंटेज की बात करूँ तो शायद वो 50-70% से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है जो हाईफाई स्कूल्स, उनकी 100% अभिभावक बहुत चिंतित होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब भी समय मिलता है ज़रूर आके अपने शिक्षकों से मिलते हैं। और अब सरकारें भी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो भी योजना ला रही है कि या तो अभिभावक विद्यालय में आके मिलें, नहीं तो शिक्षक स्वयं फिर एक उत्तरदायित्व समझते हुए और बीच बीच में अध्यापकों के साथ जाएं या समूह बनाकर जाएं और उन बच्चों के माता पिता से मिलें, या उन माता पिताओं को ऐसे माता पिताओं को उदाहरण दें कि देखिए वो उनका बच्चा
अच्छा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके माता पिता उस पर चिंता करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो आप भी उस प्रकार से अपने बच्चे से दिन में एक बार जरूर पूछ लीजिए क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो भी फिर उसी हिसाब से बच्चे पे ध्यान देने लगेंगे। तो बच्चे को हमारे ऊपर दोहरा उत्तरदायित्व, बच्चे को भी पढ़ाइए और उसके माता पिता को भी पढ़ाइए, आपके ऊपर दो उत्तरदायित्व हो जाते हैं। एक अंतिम सवाल हम लेंगे आज के, एक ईमेल से प्राप्त है सवाल, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शिक्षण में अंतर क्या है, एक सवाल ईमेल के द्वारा हमसे पूछा गया है। जी, रचनात्मक सवाल हुआ किसी चीज़ की रचना करना और उसमें छात्रों की सहभागिता, आपने रचनात्मक शिक्षण की बात नहीं, शिक्षण की बात की है। रचनात्मक जिसे कहते कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट करना, कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे शिक्षक कि किसी भी कॉन्सेप्ट की रचना हो, किसी विषय को वो पढ़ा रहा है तो छात्रों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आए, इंक्वायरी हो और मिलके हम कोई ऐसा सिद्धांत कंस्ट्रक्ट करें जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में लाभदायक हो। जब व्यक्ति रचनात्मक होता है तभी वो सृजन करता है, सृजन की क्षमता रचना के बाद आती है। रचनात्मक एटीट्यूड हुआ, आपने कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद फिर किसी कॉन्सेप्ट का सृजन होता है, बच्चे को नहीं पता है, इंक्वायरी उसमें हुई, उसके बाद आपने उसके अंदर रचनात्मक अभिव्यक्ति पैदा की, सीखने की प्रक्रिया पैदा की और छात्र और शिक्षक, जैसे सत्यन जी ने भी पहले कहा था कि उन्हें खुद प्रश्न पूछने की और खुद सवाल समस्या के समाधान की वो करें, हम पैसिव रहें, हम देखें कि उसमें रचनात्मकता कितनी है, वो कितना नए आइडियाज़ दे सकता है और उसके बाद फिर हम किसी भी सिद्धांत का सृजन करें और चीज़ों को सीखें। इसे कंस्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच कहते हैं आजकल, जो सृजनात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया कक्षा में शिक्षण का बिल्कुल अभी कहेंगे, यदि आधुनिक यदि थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिविज्म आया है और रचनात्मक शायद मुझे लगता है ये जो जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो हिंदी वर्जन, यदि आप कंस्ट्रक्टिविज्म का देखें तो कुछ लोग रचनात्मक लिख देते हैं, कुछ लोग सृजनात्मक लिख देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग सृजनात्मक शिक्षण की बात करते हैं। ब्योत्स्की उसके मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति है जो कि इस क्षेत्र में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप सृजनात्मक, और वहाँ भी आप पढ़ेंगे इस थ्योरी को समझेंगे, सृजन करना। तो यहाँ भी शिक्षक का रोल आप देखेंगे तो शिक्षक का रोल पीछे है, पैसे है, उनका भी है कि छात्र सृजन खुद करे, खुद अपने ज्ञान का सृजन खुद करे और जो उसने पहले अपने जीवन में सीखा है उसी को आधार बना के नए ज्ञान को प्राप्त करे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन सवालों से हमारे जितने भी लर्नर्स हैं वो संतुष्ट होंगे। मैं एक बार सभी से आपसे निवेदन करता हूं कि जो हमारी डेट शीट है जो आपके लिए हमने निर्धारित की है वो देख लें एक बार, 31 मई शाम में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 1 जून और 2 जून को कोर्स 501, 502, 503। मैं एक बार फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब ये प्रोग्राम हमें देख रहे होते हैं तो जब आप कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे बहुत आसानी होगी आपको भी समझने में और आपका जवाब हमें देने में भी। कई बार ऐसा हो भी सकता है कि हम आपके सवाल ना ले पाएं, लेकिन इसके लिए आप हतोत्साहित ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितने भी प्रश्न हमारे पास आपके आ रहे हैं हम उनका जवाब दें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे प्रश्न पूछना ना छोड़ें, हमसे जुड़े रहें, सवाल पूछते रहें और इसका जो आपके लिए एक सीधा प्रसारण किया जा रहा है इसका आप जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं फायदा उठाएं। मैडम एक बार आपका बहुत धन्यवाद, सर आपका भी धन्यवाद जो आप हमारे बीच में आए और आपने हमारे जो अनट्रेंड टीचर्स हैं इनके साथ अपना ये जो चर्चा इनको साझा किया, उनके जवाबों का, उनके सवालों का जवाब दिया। एक बार सभी को फिर से धन्यवाद, एक बार फिर हम कल आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।